यस ओके ठीक है. लेट्स कंटिन्यू व्हाट वेयर वी एंडेड यस्टरडे. ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप पे हमने एंड किया था, लेकिन हमने ना सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फिगर करके नहीं देखा था. ठीक है, तो वो करते हैं हम लोग अभी. सिक्योरिटी ग्रुप क्या है पता चल गया सबको कि मतलब एटलीस्ट थ्योरेटिकली क्या होता है. ग्रुप इज फायरवॉल कंट्रोल यस द एग्जैक्टली. ट्रैफिक विद व्हाट इज द सेंसर्स। यूटिलिटी ऑफ फायरवॉल, क्या करता है वो. फायरवॉल इनकमिंग ठीक है, ट्रैफिक राइट राइट. वो कैसे करता है वो हम देखेंगे अभी. चलो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप्स करके ऑप्शन है. ठीक है, हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं हम. ठीक है, ठीक है, हाँ हम लोग डिफॉल्ट वीपीसी ही लेते हैं इसको. वही है शायद हमारे पास. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स. तो यहाँ पे ना आपको इनबाउंड रूल मतलब क्या होगा, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसके लिए जो रूल्स लगाएंगे वो है इनबाउंड रूल्स. ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पे ना पोर्ट्स कॉन्फिगर कर सकते. किसी को पोर्ट्स के बारे में पता है कुछ, व्हाट आर द पोर्ट्स, बोलो. पोर्ट्स क्या है, बेसिकली हर एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के लिए एक असाइंड पॉइंट ऑफ एंट्री होती है कोई भी फिजिकल हार्डवेयर में, मतलब कंप्यूटर में. ठीक है, तो उसको पोर्ट बोलते हैं हम. तो हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के लिए कुछ असाइंड पोर्ट है. ठीक है, जैसे HTTP आई थिंक 80 है ना, और HTTPS 443 है, SSH का 22 है. तो हमें ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पोर्ट कॉन्फिगर करने हैं. जैसे हमें SSH अलाउ करना है तो हम लोग ना पोर्ट नंबर 22 कॉन्फिगर करेंगे उसके हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है. जैसे देखो HTTPS चूज करते, देखो 443 इनेबल हो गया. अगर आप इस इंस्टेंस पे कोई भी इंस्टेंस जिसको ये सिक्योरिटी ग्रुप लगाने वाले हो उस पे अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि वो वेबसाइट पे बहुत से HTTPS रिक्वेस्ट आएंगे, तो उनको अलाउ करना है या नहीं, इसलिए वो पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा. राइट, और वो पोर्ट इनेबल भी करते हो तो भी उस पे भी और कुछ रूल्स लगा सकते हो. भले ही वो पोर्ट इनेबल है लेकिन पूरी की पूरी ओपन ट्रैफिक अलाउ नहीं करनी है, तो हम लोग ना उसको भी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन सी आईपी अलाउ करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग आईपी एड्रेसेस भी दे सकते हैं कि कौन सी आईपी रेंज अलाउ करनी है. ठीक है, समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, नॉलेज करो बस. ठीक है, क्योंकि ना मुझे पता नहीं है कि आप कौन सी चीज समझ रहे हो और कौन सी नहीं. ठीक है, तो ये सिंपल ही चीज है. ठीक है, तो आप ना ये आईपीस भी ये कर सकते हो, कस्टम कॉन्फिगर कर सकते हो कि किस आईपी रेंज को हमें अलाउ करना है 443 पोर्ट पे हिट करने के लिए. ठीक है, तो ये होता है आपका इनबाउंड. और कुछ रूल्स ऐड कर सकते हो आप, देखो और कोई है ऐसा. ठीक है, कस्टम TCP पोर्ट दे देते हैं हम लोग, चलो 22 पोर्ट दे देते हैं. ठीक है, कोई भी हिट कर सकता है. आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होगा, अभी इनबाउंड समझ में आया तो आउटबाउंड तो ऑब्वियस है, राइट, बराबर है ना. डेटा आउटसाइड जा रहा है वो डेटा के लिए। यस, मतलब हम अपने इंस्टेंस से बाहर की कौन सी चीजें एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें आउटबाउंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो हम कॉन्फिगर कर सकते हैं. अगर हमें अपने EC2 इंस्टेंस से रेड शिफ्ट को कनेक्ट करना है तो रेड शिफ्ट का पोर्ट है 5439. अगर हमें अपने इंस्टेंस को अलाउ करना है रेड शिफ्ट एक्सेस करने के लिए, नॉट रेड शिफ्ट एक्सेस क्योंकि रेड शिफ्ट की भी पॉलिसी अटैच करनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट वो पोर्ट आउटबाउंड के लिए ओपन करना है. ठीक है, हमारे एंड से
वेदर रेडशिफ्ट अलाउज इट और नॉट, हमारे एंड से हम लोग हिट कर पा रहे या नहीं, इसके लिए ये आउटबाउंड रूल लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्या ये भी? ये यस सर। सर। ठीक है चलो, तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, यही सब चीजें राइट, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप। स्लाइड ठीक है, समझ में आ गया कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट हो रहा है। हम लोग किसी भी इंस्टेंस को इसे अटैच कर सकते हैं फिर अब। ठीक है, तो हम अपने ट्रैफिक अलाउ या डिक्लाइन करने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्या चीज़ है? हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स आर वर्चुअल फायरवॉल्स दैट कंट्रोल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक फॉर योर EC2 इंस्टेंसेस एंड इट स्पेसिफाइज द रूल्स टू अलाउ और डिनाई ट्रैफिक बेस्ड ऑन द IP एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। समझ गए आप लोग? अभी देखा हमने। ठीक है, पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल के हिसाब से पोर्ट नंबर डिटरमाइन होता है और हम लोग IP रेंज भी कॉन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंस परचेस ऑप्शंस। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेज दैट आर अवेलेबल दैट AWS प्रोवाइड्स। ठीक है, तो वो आपको ये कौन से रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन है, विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब वो कॉस्ट कैसे पड़ रहा है, मतलब आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो उसके हिसाब से आप कॉस्ट का सोचोगे राइट। तो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस क्या होते हैं बताएगा आप, कि आप पे एज यू गो प्राइसिंग है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जब आपको किसी कंप्यूट कैपेसिटी की जरूरत है ना, तब उसी टाइम पे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। समझ गए? मतलब मुझे अभी लग रहा है कि मुझे एक EC2 इंस्टेंस कॉन्फिगर करना है, तो मैं ऑन डिमांड इंस्टेंस कॉन्फिगर करूंगा। होता क्या है, आप अगर तो इसमें क्या होता है, पे एज यू गो प्राइसिंग। एंड ठीक है, ठीक है, इसके हिसाब से इसका प्राइसिंग होता है। ठीक है, हम ये समझेंगे कि इसमें हम लोग ना कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पे कर रहे राइट। जैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, अक्वायर कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं राइट। तो इसके ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के प्राइजेस नॉर्मल बाकी टाइप ऑफ इंस्टेंसेस के हिसाब से, जैसे रिजर्व इंस्टेंसेस है और स्पॉट इंस्टेंसेस है, उसके कंपेयर में थोड़े ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम लोग ना अपना ये देख रहे हैं ना, कंफर्ट जोन देख रहे हैं, मैं जब चाहूंगा तो प्रोविजन करूंगा, मेरी जरूरत निपट गई तो मैं उसको छोड़ दूंगा, तो उसका कुछ चार्ज होगा राइट। रिजर्व इंस्टेंसेस क्या है बताए क्या? रिजर्व इंस्टेंसेस और दो इंस्टेंसेस जहां पे ना आपको आपकी एक सर्टन रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पता है। ठीक है, जैसे कोई आपकी एक वेबसाइट है या फिर कोई एक वर्कलोड है जिसको आपको पता है कि यार ये 1 से 3 साल तक के लिए मेरे पास है, मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए इतना। तो आप क्या कर सकते हो, एक डिस्काउंट रेट पे इसको एक अपफ्रंट कॉस्ट पे करके उसे अक्वायर कर सकते हो फॉर 1 to 3 ईयर। तो इसमें क्लॉज क्या है कि मिनिमम ऑफ 1 to 3 ईयर यू नीड टू प्रोविजन फॉर इट। जब आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल वर्कलोड्स होते हैं तो रिजर्व इंस्टेंसेस प्रिफर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स मोस्टली लॉन्ग टर्म ही होती है राइट। कोई प्रोडक्शन का क्लस्टर है या फिर प्रोडक्शन का ये है, क्या बोल सकते हो, सर्वर है किसी चीज का भी, वेबसाइट का भी हो सकता है राइट। हम अपने टर्म्स में ही बात करें तो भी ठीक है क्लस्टर के बारे में, तो वो भी लॉन्ग टर्म का अगर है तो हम लोग रिजर्व इंस्टेंसेस प्रिफर कर सकते हैं राइट। समझ में आ रहा है ये? ठीक यस।
ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे ना और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, वी अक्वायर एंड रिलीज इंस्टेंसेस, अक्वायर सही है क्या? क्या है यार स्पेलिंग इसकी? अक्वायर ही है ना, हाँ सही है सर, राइट है भाई। अक्वायर एंड रिलीज इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन आर नीड, राइट? ठीक है, तो इसकी यूज केस क्या हो सकती है देखेंगे आप। चलो वैसे ये चीजें आपने ना से कवर करनी चाहिए वैसे, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ जो कौन सी चीजों के लिए सूटेबल है। ये सूटेबल फॉर अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड, इज इट मेकिंग सेंस? हमने यही बोला राइट, हमें पता नहीं है कितने टाइम के लिए चाहिए यस हम। यस ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल और फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड एक यूज केस हो गया राइट इसकी, और क्या हो सकता है? और एक एक चीज याद रखो, डेवलपमेंट डेव एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ना हम लोग ऐसे टाइप के इंस्टेंसेस प्रिफर करते हैं, डेव एंड टेस्ट एनवायरनमेंट प्रिफरेबल। ठीक है, ये समझ लोगे यार आप लोग। ठीक है, डेव एंड टेस्ट एनवायरनमेंट में हम लोग ऑन डिमांड इंस्टेंसेस प्रिफर करते हैं। अब ये एमआर में जब आओगे ना, मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें ट्रांजिएंट क्लस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग तब देखेंगे कि क्या होता है वो। ठीक है, कि सिर्फ वो अपने टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वो क्लस्टर लॉन्च करते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन की यूटिलिटी खत्म हो गई, वो क्लस्टर डिकमीशन हो जाता है, तो वो देखेंगे हम लोग आगे, उसमें समझ में आएगा। और इसमें भी आपको समझ में आ रहा है ना कि ऑन डिमांड मतलब जब मुझे जरूरत है, मुझे कोई डेवलपमेंट करना है, तब मैं वो इंस्टेंस अक्वायर करूंगा, मेरी डेवलपमेंट की नीड खत्म हो गई है, मैं उसको रिलीज कर दूंगा। सेम फॉर टेस्टिंग राइट, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे हो सकता है क्या? प्रोडक्शन में आपके एप्लीकेशंस डिप्लॉयड है, उसकी जरूरत कभी खत्म होती है क्या? जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपका प्रोडक्शन क्लस्टर चल रहा है या फिर प्रोडक्शन सर्वर चल रहा है राइट? यस एम आई मेकिंग सेंस? यस ठीक है राइट। हाँ, सिर्फ थोड़ा एक्नॉलेज कर दिया करो ये सुनो से, तो हम लोग फास्ट कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसके लिए ना रिजर्व इंस्टेंस के लिए मैंने क्या बोला था कि इट इज अक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 to 3 years यस लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली, तो अक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 to 3 years। ठीक है, और क्या है एक पॉइंट है इसमें, इसमें मैंने और क्या बोला था? वन टाइम अपफ्रंट कॉस्ट बट एट डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड आर्ली रेट। एक बात बोलो, हम लोग क्यों करेंगे रिजर्व इंस्टेंसेस, व्हाई नॉट ऑलवेज यूज ऑन डिमांड इंस्टेंसेस? बताओ। Because now you mentioned here that discounted hourly rate, so the rate will be less, and यस we are confirm that we are sure that this instant will require us for the long term, so राइट, we'll prefer this instance. एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हमें कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल यूसेज पैटर्न है हमारा, तो हम ये प्रिफरेबली यूज करेंगे क्योंकि हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फॉर कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल यूसेज पैटर्न हो। ठीक है, और कोई पॉइंट मैंने जो बोला और मिस कर रहा हूं यहाँ पे? यस, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज हो रहा है राइट, ये यूज केस है हमारे। और ठीक है, क्लियर है रिजर्व इंस्टेंस और हाँ
यस ऑन सर, डिमांड इंस्टेंस क्लियर है राइट? हाँ, यस सर, तो कभी कभी ना इंटरव्यू में पूछते हैं कि ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ऑन डिमांड इंस्टेंस क्या है, रिजर्व इंस्टेंस क्या है, ऐसे कोई नहीं पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा होलिस्टिक होता है कि यार कॉस्ट कंट्रोल मेजर क्या ले सकते हो आप, मगर अगर आपकी एक कोई पाइपलाइन है या फिर ऐसा है कुछ है, आप कोई क्लस्टर प्रोविजनिंग कर रहे हो, तो आप कॉस्ट कंट्रोल मेजर क्या ले सकते हो। तो दिस कैन बी वन पॉइंट राइट, कि अगर हमारी पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी पाइपलाइन बहुत दिनों के लिए डिप्लॉय रहने वाली है प्रोडक्शन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में, तो इट इज बेटर टू प्रिफर रिजर्व इंस्टेंसेस टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो हम लोग ये पॉइंट बोल सकते हैं अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो, राइट? यस सर, यस, हाँ, तो कोई ना चीजें डायरेक्टली पूछी नहीं जाती है जनरली, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है चीजें, कहीं पे पड़ी हुई चीजें कहीं पे यूज करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, ठीक है। और क्या है बाद में, स्पॉट इंस्टेंस है राइट? तो ये क्या है, वन ऑफ द चीपेस्ट, ये है क्यों चीपेस्ट है मैं बताऊंगा आपको, ये वन ऑफ द चीपेस्ट है अमंग ऑल, ठीक है। ये क्या है ना, ये चीप क्यों है पता है क्या? AWS के पास जो पूल ऑफ रिसोर्सेस है ना, जो फ्लोटिंग रिसोर्सेस है, अगर वो फ्लोटिंग रिसोर्सेस कोई अक्वायर नहीं कर रहा है और आप ना इसका बिड लगता है, मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हो स्पॉट इंस्टेंस, तो जो ज्यादा बिड लगाएगा उसको वो मिल जाता है, लेकिन ये बिड प्राइजेस नॉर्मल कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा चीप रेट पे मिलता है ये। इसका डिसएडवांटेज क्या है पता है क्या? जब आपकी करंट बिड प्राइस के इसकी स्पॉट इंस्टेंस की प्राइस ऊपर चले जाती है, तो AWS ना ये इंस्टेंसेस रिट्रैक्ट कर लेता है आपसे कि हमें इसका ज्यादा पैसा मिल रहा है, आए मतलब मैं हम आपसे आपका इंस्टेंस ले लूंगा, ठीक है। तो वो होगा आपका डिसएडवांटेज राइट, इसलिए वो चीपेस्ट है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया इससे, यस सर, यस सर, ठीक है ना, समझ में आया ना? ठीक, चलो। तो हाँ, मैंने क्या बोला, अक्वायर्ड बेस्ड ऑन बिडिंग, ठीक है, बिडिंग वैल्यू AWS कैन रिट्रैक्ट इफ करंट बिड प्राइस एक्सीड्स, ठीक है, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा इस केस में। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है राइट, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके? हम लोग जो कंसिस्टेंट और स्टेबल वर्कलोड जिसके लिए इंस्टेंसेस की ऑल टाइम जरूरत है, वैसी चीजों के लिए हम लोग स्पॉट इंस्टेंस यूज कर पाएंगे क्या? नो सर, नो, नो नहीं ना। सर, क्यों? बिकॉज AWS विल रिट्रैक्ट इट, सो यस, हाँ, तो रिट्रैक्ट करने से क्या होगा, दैट्स व्हाट आई आस्क। दैट इंस्टेंस विल नॉट अवेलेबल फॉर द यूज. या ऑफ कोर्स, लेकिन उससे क्या होगा, आपके वर्क पे क्या इंपैक्ट होगा उसका? इंस्टेंस हमारे पास नहीं रहेगा ना, राइट, अगर इंस्टेंस नहीं रहेगा तो आपके वर्क पे क्या इंपैक्ट होगा, मतलब इंटरप्शन आएगा, सिंपल राइट। यस अगर कोई कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट की चीज है तो आपकी पाइपलाइन पूरी की पूरी फेल हो जाएगी ना, बराबर? यस सर, यस वो नहीं चाहिए सर, होता है, तो इसको दिया क्यों है फिर AWS में? कुछ तो यूटिलिटी तो होगी इसकी, ठीक है। और टेम्पररी यूज. यस, मतलब टेम्पररी यूज, मतलब फॉर द एप्लीकेशन विच कैन टॉलरेट इंटरप्शंस, कैसे वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, कैसे, जैसे आपकी होती है बैच प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, बैच प्रोसेसिंग क्या होगा इसमें,
बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, वन बैच एट अ टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको ना ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जॉब फेल हो जाएगा आपका। कैसा होता है, अगर समझो आपकी एक बैच प्रोसेस हो रही है, इट इज टेकिंग 3 मिनट्स, राइट, 3 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी ले रहा है वो जॉब के लिए। तो 3 मिनट्स की बैच प्रोसेस हो गई और आगे की बैच रन हो रही है, बैच नंबर 4 रन हो रही है, इन मिडल ऑफ इट आपका रिट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पिछली बैचेस जो भी प्रोसेस हुई है वो भी अंडन हो जाएगी, नहीं नहीं होगी, राइट। पहले 3 जो बैचेस प्रोसेस हो गई है दैट हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन ऑलरेडी, तो आपको ना लॉस ऑफ कॉम्प्यूट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ करंट बैच के लिए। समझ में आ रहा है कि ये यस सर, समझ में आ यस रहा है, सर, राइट। तो आप उसको रिकम्प्यूट कर सकते हो, जब नया नया इंस्टेंस अक्वायर करोगे तो उस टाइम पे वो बैच को फिर से प्रोसेस कर लेना। कैसे होता है ना, एक बात बता दो, मतलब ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है आपको ना प्रोजेक्ट के टाइम पे वगैरह समझ में आएगी। बैच प्रोसेसिंग में ना होता क्या है पता है क्या, वन बैच एट अ टाइम प्रोसेस होती है। टू ट्रैक दैट देर आर सर्टन मतलब डेटाबेसिस मेंटेन्ड या टेबल मेंटेन्ड, लाइक मेरे इसमें ना बैच ट्रैकर करके है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो बैच प्रोसेस हो गई है ना, तो हम लोग वो बैच ट्रैकर जो टेबल है कोई RDBMS में, उसमें ना एंट्री अपडेट करते हैं कि ये बैच प्रोसेस हो गई है। अगर समझो स्पॉट इंस्टेंस है और वो इंटरप्शन की वजह से फेल हो गया है, ठीक है, तो हमारे बैच ट्रैकर में उसकी एंट्री अपडेट होगी क्या, नहीं। तो फिर से जब वो जॉब रन होगा ना, तो वो बैच ट्रैकर में फिर से देखेगा व्हाट आर द अनप्रोसेस्ड बैचेस दैट आर देयर, तो हमको फिर से प्रोसेस करना है उसको। तो जो जो जॉब हमारा जो बैच हमारी अनप्रोसेस रह गई थी इंटरप्शन की वजह से, वो फिर से प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो वो एक बैच के कंप्यूट का लॉस इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हमें कॉस्ट सेविंग होता है स्पॉट इंस्टेंसेस से, ठीक है। समझ में आ गया, समझ यस में सर, आया क्या, यस सर, समझ में आया ना, सबको समझ में आया क्या, यस सर, यस सर, ठीक। चलो ये हो गया हमारा स्पॉट इंस्टेंसेस, हमने शायद कवर कर लिए इसमें। तो हम लोग ना एक बार देख ही लेते, हम लोग इसके बाद UI में जाएंगे कि कहाँ पे ऑप्शन होता है ये सिलेक्ट करने का। यहाँ पे इतनी चीजें कवर कर लेते बस। डेडिकेटेड इंस्टेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी अगर बात जो भी सुन रहा है ना अब तक के लेक्चर्स में, उसको ये बात पता होगी डेडिकेटेड इंस्टेंस मैंने कहाँ पे बोला था। ये डेडिकेटेड इंस्टेंस होते हैं, जब हम लोग EC2 में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसी कौन सा सिनारियो है जिसमें हमें डेडिकेटेड इंस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। हमने ये चीज बहुत डिस्कस की है हमारे क्लाउड बेसिक्स में। बोल सकता है कोई अटेंटिवली अगर सुन रहा है लेक्चर्स और जाके पढ़ रहा है तो? सर वर्चुअल मशीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग में देख कैन यू एलैबोरेट। सर भी वर्चुअल मशीन क्लाउड एनवायरनमेंट जो होता है उसमें सिंगल कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं प्राइवेसी और कंट्रोल के लिए। यस यस यस, तो हमने ये डिस्कस किया था, राइट। क्योंकि यस आजकल सर, मतलब ऐसा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ शेयरिंग देयर सेंसिटिव डेटा ऑन क्लाउड। व्हाई, बिकॉज क्लाउड इज अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, राइट, कि हम लोग एक रिसोर्स को सिर्फ नेटवर्क आइसोलेशन से सबको शेयर कर रहे हैं, तो देयर इज पोटेंशियल थ्रेट फॉर ब्रीच, राइट। तो वो इनसिक्योरिटी डेडिकेटेड इंस्टेंस से डील हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि डेडिकेटेड इंस्टेंस रन ऑन अ डेडिकेटेड हार्डवेयर फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर अ सिंगल कस्टमर। जैसे अभी बोला, एक काम करो, ठीक है, मुझे एड्रेस करने में इजी हो जाएगा, जो भी कुछ बातें बता रहे हो ना आप, तो उसके पहले ना अपना नाम बता दिया करो, क्योंकि ना मेरे स्क्रीन में कोई दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, किसी का नाम नहीं दिखता है। इट्स बेटर कि आप कुछ आंसर कर रहे हो ना, उस टाइम पे IM XYZ बोल के आंसर कर दो, ठीक है। ठीक यस सर, है चलो, अभी किसने आंसर दिया था वैसे? शिवेंद्र कौलवार सर, ओके ठीक है शिवेंद्र, आपने जैसे बोला ना अभी डेडिकेटेड इंस्टेंस मतलब क्या है, कि ऐसे इंस्टेंसेस जो डेडिकेटेड हार्डवेयर पे चलते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सिंगल कस्टमर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर,
इससे क्या एड्रेस हो रहा है? क्या एड्रेस हो रहा है इससे? कौन सा कंसर्न एड्रेस हो रहा है? अभी हमने बात की उसकी, प्राइवेसी, प्राइवेसी का, प्राइवेसी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की इनसिक्योरिटी चली जाती है इससे, कि अगर पीआईए डेटा भी डालना है या फिर कोई क्या बोल सकते हैं, कोई कॉपीराइटेड या फिर कोई सेंसिटिव डेटा डालना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन विल थिंक अबाउट इट कि ठीक है यार, मुझे तो डेडिकेटेड हार्डवेयर मिल रहा है और AWS अच्छे कॉस्ट पे भी प्रोवाइड कर रहा है और एक हाई अवेलेबिलिटी और क्या बोलते हैं, रोबस्टनेस भी प्रोवाइड करता है, तो वी कैन गो टू AWS एनवायरमेंट। ठीक है, तो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस वो केस में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यूज केस क्या हो सकती है इसकी, कुछ जिस ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई कंप्लायंस कंप्लायंस वगैरह करना है, रेगुलेटरी बर्डन होगा, वो एक हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है? अभी जो बोला हमने डेटा प्राइवेसी, राइट, ये पता है डेटा रेसिडेंसी क्या होता है, किसी को पता है? डेटा लोकल डेटा, एक्सटेंशन, डेटा यस, रेसिडेंसी। डेटा मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड और डेटा मस्ट बी स्टोर्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ रीजन, लाइक इट मस्ट नॉट बी गिवन टू एनी अदर सोवरेन पावर्स। राइट राइट राइट, क्योंकि हाँ मैंने एक बात बोली थी GDPR के बारे में, जैसे इंडिया का भी अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ है, वैसे मतलब क्या है कि देर आर सर्टेन गवर्नमेंट वो अपने सिटीजन्स का डेटा कुछ शेयर नहीं करना चाहते बाहर, विच कैन बी मिस यूज, राइट। डेटा इज अ कमोडिटी विच शुड नॉट बी गिवन अवे इजीली। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट ना अपने अपने लोकलाइजेशन रूल लगाती है कि अगर आप कोई MNC हो, आपको अगर हमारे कस्टमर्स को सर्व करना है तो उनका डेटा लोकल लोकली ही रखो, मतलब आपके सर्वर इंडिया में होने चाहिए, ऐसे उसको बोलते हैं डेटा रेसिडेंसी के कंप्लायंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ना चलो इस पे जाके देखते हैं कंसोल में कि कहाँ पे ऑप्शन है इसके, हम लोग क्रिएट करके नहीं देखेंगे क्योंकि क्रिएटिंग अ स्पॉट इंस्टेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिंग अ नॉर्मल इंस्टेंस। ठीक है, रिजर्व इंस्टेंस भी सेम ही है, ये इसमें डिफरेंसेस क्या है, बस कॉस्ट मॉडल में डिफरेंसेस है, एंड देर विल बी वन टू थिंग्स दैट इट विल आस्क यू मोर। ठीक है, तो हम लोग अभी करके नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ से स्पॉट इंस्टेंसेस रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजर्व इंस्टेंसेस का ऑप्शन है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ट्राई एंड क्रिएट इट, कोई पूछता नहीं है, ये हम लोग करते नहीं है काम। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रख दो, कॉस्ट कॉस्ट सेविंग में ये यूजफुल कैसे होता है। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट मतलब आपके डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। ठीक है, कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी रिजर्वेशन और रिजर्व इंस्टेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब क्या है, रिजर्व इंस्टेंसेस सिंगल इंस्टेंस लेवल पे बात करते हैं, कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब अगर मेरी कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है जिसमें मुझे ना 10 instances फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे 10 instances AWS की तरफ से ब्लॉक करके रख देता हूँ, आई एम पेइंग फॉर दिस वेदर आई एम यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इट। ठीक है, सॉर्ट ऑफ VIP पार्किंग स्लॉट का वगैरह बुकिंग होता है ना, तो वैसा ही है ये कि आप अगर आपको कहीं पे आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर को आपको पार्किंग की इश्यू आते हैं तो आप ना वो पार्किंग के इश्यू अवॉइड करने के लिए परमानेंट एक पार्किंग स्लॉट बुक करके रख देते हो। ठीक है, बिकॉज यू यू कैन अफोर्ड इट, राइट। तो ऐसी कुछ चीज है, कोई बिजनेस है तो वैसे कैपेसिटी रिजर्वेशन करता है, क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए कैपेसिटी रिजर्वेशन किया जाता है। समझ में आ गया रिजर्व इंस्टेंसेस और कैपेसिटी रिजर्वेशन में डिफरेंस, वो सिर्फ एक्सटेंशन है ना। ठीक है, सिर्फ एक्सटेंशन है उस चीज का, तो हम लोग इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे अभी के लिए। ठीक है, हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी, इंटरेस्टिंग है इसके बाद। चलो, EBS, EBS इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट।
कोई बताओ मुझे ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए सब। इस पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं थोड़े बहुत, बताओ ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, स्पार्क पढ़ा है सब। बोलो यार, आदित्य सर ने तो गारंटी सिस्टम। बताया ब्लॉक स्टोरेज, मुझे पता है क्योंकि हमें भी पढ़ा है आदित्य सर ने। बोलो। सर शिवेंद्र कौलवार। यस सर कॉमनली इन कंप्यूट इन्वायरमेंट में होता है, मतलब जो हम रॉ डेटा स्टोर करते हैं उसका स्टोरेज वॉल्यूम और डेटा को हम रीड राइट कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉक स्टोरेज का यूज करते हैं। हेलो हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। रविंद्र, यू आर ऑडिबल, हाँ जस्ट ओके, वेट। हेलो हेलो, एम आई यस ऑडिबल? सॉरी सर, यस सर, यहाँ, मेरे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई यस सर। आज। ठीक है, तो आवाज क्लियर है ना मेरा? यस सर, यस, मैं ऑडिबल क्लियरली? ठीक यस यस सर। है, आई शेयर द स्क्रीन नाउ। ठीक है शिवेंद्र, आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर वो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में आता है, हम एक फिक्स साइज का ब्लॉक क्रिएट करते हैं रॉ वॉल्यूम के लिए और उसमें रीड और राइट करते हैं। वो वीएम वर्चुअल मशीन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज वही होता है। ओके हेलो मतलब चिन्मय। देखो शिवेंद्र, हाँ बोलो बोलो अक्षय अक्षय। यार, अक्षय, इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक स्टोरेजेस कैन बी लाइक कैश एंड परसिस्ट वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा फॉर टेम्पररी यूसेज, लाइक इफ द एग्जीक्यूटर्स आर। नो 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 नो, कैश एंड परसिस्ट तो रैम कॉन्सेप्ट है, राइट? रैम पे होता है, परसिस्ट ऑफ कोर्स डिस्क पे होता है, ओके लेकिन ये कैश एंड परसिस्ट से रिलेटेड नहीं है। ब्लॉक स्टोरेज मतलब क्या है पता है क्या? शिवेंद्र मतलब शिवेंद्र जो बोल रहे हैं ना, तो वो स्टोरेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई टाइप, कोई भी टाइप के। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, आप हेलो। एचडीएफएस को डिस्क्राइब कर रहे हो। हाँ बोलो, कौन बोलना चाहते हैं? बोलो। हाँ सर, आई थिंक ब्लॉक स्टोरेज डिवाइड करता है ना डेटा को इनटू द चंक्स। यस यस एग्जैक्टली। हाँ मैं दैट लिखो रहा हूँ। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशंस। हाँ पार्टीशंस, इन ब्लॉक पार्टीशंस। ठीक है, तो ब्लॉक यस, मतलब क्या है, आप ये बात बताओ दैट कैन मुझे। बी आईडीडीज। स्पार्क में ना, एचडीएफएस में डिफॉल्ट ब्लॉक साइज क्या है वैसे? 128 MB। 128 MB। मतलब क्या है, अगर आपको 128 MB है ये पता है, मतलब वो मेमोरी के फ्रैक्शंस है, राइट? स्टोरेज यस के फ्रैक्शंस है वो, कि उतने उतने चंक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं बस। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन लो ना, एंड इट इज ट्रीटेड एज सिंपल चीजों को इंटीजर। सिंपल रखा करो कि आगे वाले को समझ में आए। यस सॉरी, कैन इट इज ट्रीटेड एज यू अ रिपीट इंटीजर योरसेल्फ? यूनिट, राइट? इंडिविजुअल यूनिट
यू कैन से दैट यस, मतलब उस स्टोरेज का ना वो आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि ब्लॉक में स्टोर होता है, ठीक है, तो वो ब्लॉक के हिसाब से हम लोग रीड राइट करते हैं। शिवेंद्र ने बोला ये चीजें सारी, लेकिन ब्लॉक का मेंशन नहीं किया कि मेमोरी चंक होता है वो, ये ठीक है, तो उन्होंने सारी चीजें करेक्ट बोली है, लेकिन उससे ना ब्लॉक स्टोरेज कुछ डिफाइन नहीं हुआ है। वो तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज को भी वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में भी तो वही करते हो आप कि ऑब्जेक्ट को रीड राइट करते हो, राइट। तो मेमोरी रिलेटेड जो चीज बोलनी थी उन्होंने मिस आउट की, शायद भूल गए होंगे, लेकिन हाँ उन्होंने एक्सप्लेन तो सही से किया था, ठीक है। चलो तो ईबीएस क्या है पता है क्या? ईबीएस एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट, मतलब परसिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज है दैट कैन हेल्प यू स्टोर योर ईसीटू डेटा, राइट। तो इसको लिख लेते हैं, परसिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, ये तो पता है कि ये हाई अवेलेबिलिटी, मतलब आप चलो ईबीएस बना के देखते हैं, बाद में इसकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ईबीएस बनाते हैं, मतलब थोड़ा विजुअलाइज होगा। ईबीएस वॉल्यूम, ठीक है, आप ना यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये ईबीएस कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करना है यानी इसका भी ऑप्शन है, यू कैन इनक्रिप्ट योर ईबीएस वॉल्यूम ऑल्सो। ये स्नैपशॉट आईडी क्या है ये हम लोग देखेंगे, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पेज से भी आप ईबीएस बना सकते हो और ईबीएस से स्नैपशॉट बना सकते हो। तो व्हाट इज स्नैपशॉट, व्हाट इज ईबीएस स्नैपशॉट, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं हम लोग क्रिएट, ठीक है। तो क्या है ना, ये ईबीएस क्रिएट कर लिया मतलब हमने इतना स्टोरेज अक्वायर कर लिया, वी कैन अटैच दिस ईबीएस टू एनी इंस्टेंस, मतलब क्या होगा उसको वो डिस्क कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वो इंस्टेंस को ये डिस्क कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा ना, बोलो यस किसने हैंड रेज किया है, किस चीज के लिए किया है हैंड रेज वैसे? हाँ ओके ओके, ठीक है, पहले वाले मुझे लगा कुछ डाउट्स हो, ठीक है। हाँ चलो, तो मतलब ब्लॉक स्टोरेज क्या है, एडिशनल डिस्प्लेस अवॉर्ड कर रहे हो आप आपकी ईसी टू इंस्टेंस के लिए, ठीक है। और ईबीएस में और क्या सोच सकते हैं, एंड यू कैन अटैच अ सिंगल वॉल्यूम टू मल्टीपल ईसी टू इंस्टेंसेस ऑल्सो, दिस पॉइंट यू कैन कीप इन माइंड। ठीक है, समझ में आइए, आप ना ये चीजें खुद से ट्राई कर सकते हो, दो इंस्टी टू इंस्टेंसेस बनाओ, एक वॉल्यूम अटैच करके देख, ठीक है। ये सब चीजें ना पढ़ रहे हो तो तब ट्राई करके देखने में कुछ बुराई नहीं है। अब भी हम लोग नहीं करेंगे, ये बहुत बेसिक चीज हो गई, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार करके देख लो तो आपके दिमाग में परमानेंट रह जाएगी, ठीक है, नहीं तो भूल जाते हो आप, ठीक है। तो और इसी टू ईबीएस में और कोई पॉइंट मैंने जो बोला है और बताया नहीं, मतलब लिखा नहीं है यहाँ पे? एक सेकेंड रुको, ओके okay, हाँ, ये देखो मतलब ये ना, अब देखो एक बात सोचो, हम लोग अगर ईबीएस को किसी इंस्टेंस को अटैच कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, ये फिजिकली अटैच हो रहा है या ये थ्रू नेटवर्क अटैच हो रहा है? ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है समझने में, आगे भी समझेगा कुछ चीजें हमें, बोलो। थ्रू नेटवर्क नेटवर्क से अटैच हो रहा है, राइट।
तो एक बात बताओ, नेटवर्क से अटैच होने वाली चीजें और फिजिकली अटैच होने वाली चीजों में लेटेंसी किसमें ज्यादा रहेगी? फिजिकल इसमें ज्यादा होता है लेटेंसी, डू यू नो व्हाट इज द नेटवर्क मीनिंग ऑफ लेटेंसी? टाइम लेटेंसी टू मतलब डिले, नॉट एग्जैक्टली लेटेंसी मींस डिले इन डिले कनेक्टिंग. इन यस, एवरीथिंग मतलब एक यहां से वी वहां कैन पे से स्पीड स्पीड ऑफ द डेटा स्पीड ऑफ डेटा नहीं होता, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर ही कहते हैं. ठीक है, डेटा की कुछ स्पीड नहीं होती है ना. डेटा तो एक मतलब एक कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि उसकी स्पीड डिटरमाइन हो, राइट? डेटा ट्रांसफर जो है उसकी स्पीड डिटरमाइन हो सकती है. ठीक है, तो अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है EC2 इंस्टेंस से, कुछ लिख रहे हो आप EBS में, तो देयर विल बी मोर लेटेंसी देन अगर कोई इंस्टेंस में वो एक फिजिकली अटैच स्टोरेज है, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? सर, यस यस. सर. पॉइंट याद रखो, हम लोग ना बाद में इंस्टेंस स्टोर का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो वहां पे ना उसका डिफरेंस समझ में आता है कि इंस्टेंस स्टोर एक फिजिकली अटैच डिवाइस है टू योर EC2 इंस्टेंस. मतलब जो भी इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करते हो उसमें इंस्टेंस स्टोर आता है. ठीक है, तो आप ना ये पॉइंट अभी भी मैं अभी ऐसे ही डिक्टेट कर देता हूँ कि देर आर सर्टन EC2 इंस्टेंस टाइप्स, जो हाई एंड EC2 इंस्टेंस टाइप्स है ना, वो लोग एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंस स्टोर का. तो उसमें क्या होता है कि दे प्रोवाइड अ फिजिकली अटैच डिस्क स्पेस विच विल हैव वेरी लेस लेटेंसी एज कम्पेयर टू योर EBS वर्क. मतलब उसके खुद के एडवांटेजेस है इंस्टेंस स्टोर के. तो इंस्टेंस स्टोर एक बार लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा. ठीक है, आप अपने नोटबुक में लिख लो इंस्टेंस स्टोर क्या होते हैं. देखो कौन से इंस्टेंस टाइप्स जो है ना, जैसे T2 माइक्रो, M5X Large, ऐसे जो टाइप्स है उसमें से कौन से इसमें इंस्टेंस स्टोर है, वो एक बार देख लो अपने रेफरेंस के लिए. कोई पूछता नहीं है ये चीजें, लेकिन एक बार अपने रेफरेंस के लिए देखो. ठीक है, कौन सी सीरीज में इंस्टेंस स्टोर कनेक्टेड आते, तो ये आपका होमवर्क है. ठीक है, तो ये है नेटवर्क अटैच, राइट? अटैच, हेंस बिट ऑफ लेटेंसी. ये लेटेंसी जैसे वर्ड है, तो वो थोड़े ध्यान से पढ़ लिया करो और यूज किया करो. कभी भी बात कर रहे हो किसी से, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स. ठीक है, और EBS में हाँ, अभी देखो अब समझो एक एक सिनारियो है. आप इंस्टेंस को आपने अटैच किया है EBS वॉल्यूम. ठीक है, तो आपने इंस्टेंस अभी टर्मिनेट कर दिया, तो EBS वॉल्यूम का क्या होगा? बोलो. वो वैसा ही रहेगा सर. वो वैसे ही रहेगा. मतलब विल यस यू बी एबल टू यूज इट टू अटैच इट टू अदर इंस्टेंसेस? यस वी कैन, EBS कैन बी यूज्ड टू अटैच टू अदर इंस्टेंसेस, इट इज इंडिपेंडेंट अपार्ट फ्रॉम द EC2. राइट? क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क अटैच है, राइट? यस यस टर्मिनेशन होने के बाद नेटवर्क लॉस हो जाएगा. वो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अलग जगह पे है उस पर तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होगा, राइट? समझ में यस सर यस सर आया आपको, है ना? तो अगर समझो आपको कोई EC2 इंस्टेंस है, उसको टर्मिनेट करना है, लेकिन उसका कुछ डेटा है जो परसिस्ट करना है, तो कैन यू यूज EBS फॉर इट? सोचो. यस वी कैन यस यू सर कैन, राइट? क्योंकि आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है, मतलब उसका कंप्यूट जा रहा है, रैम जा रहा है, रैम में कुछ डेटा है समझो, या फिर आपने अगर इंस्टेंस स्टोर भी लिया है उसमें भी कुछ डेटा है, एंड यू वांट टू मेक मतलब उसको बाद में यूज करना है आपको. ठीक है, तो आप उसको EBS में स्टोर करके रख सकते हो. एंड टू पॉइंट टू बी नोटेड, EBS से ना आप एक AMI भी क्रिएट कर सकते हो. AMI क्या है ना, हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो तब आप ये ध्यान रखना, मैंने जो पॉइंट जो बोला है ना आपको कि यू कैन स्टोर द डेटा ऑफ इंस्टेंसेस विच यू वॉन्ट टू परसिस्ट फॉर फ्यूचर इन योर EBS. ठीक है, ये याद रखना. बस मीन्स EBS अलाउस यू टू परसिस्ट डेटा इवन आफ्टर टर्मिनेशन.
टर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंस, राइट? ठीक है, तो अभी देखते हैं ईबीएस स्नैपशॉट क्या है। किसी को पता है कुछ स्नैपशॉट के बारे में? व्हाट इज स्नैपशॉट एंड ऑल? स्नैपशॉट क्या है पता है किसी को? स्नैपशॉट क्या है? एक पॉइंट ऑफ पॉइंट इन टाइम बैकअप है। मतलब देखो अभी एक ईबीएस वॉल्यूम है आप, ठीक है, आपको उसका बैकअप लेके रखना है। पता नहीं कि उसका मतलब क्या बोल सकते हो, आपको देखो कैसा है, ईबीएस वॉल्यूम इवॉल्व होगा अगर वो किसी EC2 इंस्टेंस को कनेक्टेड है, तो उसमें चीजें इवॉल्व होगी आगे आगे, राइट? कि डेटा ऐड होते जाएगा, डेटा सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, ठीक है, तो और डेटा बढ़ेगा, डेटा घटेगा, बराबर है ना? किसी EC2 इंस्टेंस को कनेक्टेड है तो EC2 इंस्टेंस जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है वो अगर EBS में डाल रहा है, ठीक है, तो डेटा बढ़ रहा है। लेकिन हमें कुछ ऐसी यूज केसेस होती है जिसमें ना एक पॉइंट इन टाइम बैकअप चाहिए होते हैं, पॉइंट इन टाइम बैकअप चाहिए होते हैं, तो हम लोग स्नैपशॉट बनाते हैं उसके। तो स्नैपशॉट आर नथिंग बट पॉइंट इन टाइम बैकअप्स। ऑफ ईबीएस ना, पॉइंट इन टाइम बैकअप्स ऑफ ईबीएस, ठीक है। और अगर ये इसकी यूज केस, मेन यूज केस क्या है पता है क्या? आप अगर आपकी ईबीएस वॉल्यूम का जो डेटा है ना, किसी अभी समझो एशिया पैसिफिक रीजन में है, हमें ना उसको मतलब US के रीजन में डालना है, जैसे नॉर्थ कैरोलिना रीजन है, नॉर्थ वर्जीनिया हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, तो वहां पे अगर इस ईबीएस वॉल्यूम को एक्सपोर्ट करना है ना आपको, तो इसका स्नैपशॉट उस रीजन में क्रिएट करके भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूटिलिटी समझ में आई अभी किसी को? कुछ कुछ थोड़ा भी यस सर, है ना? यस सर, कुछ डाउट पूछो अभी स्नैपशॉट के बारे में, क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन एड्रेस और एवरीवन एल्स आल्सो वी गेट टू नो अबाउट दैट पॉइंट। पूछो। ऋषिकेश हियर। यस सो व्हाट विल बी इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, मींस सेम एज ईबीएस और इट विल बी यस यस लेस? राइट, ऑफ कोर्स बैकअप है ना वो। यस सेम ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस आप कोई उस पे क्या बोलते हैं कॉम्प्रेशन लगा रहे हो। आई एम नॉट श्योर यू कैन अप्लाई द कॉम्प्रेशन टू इट और नॉट, ठीक है। अगर आप हम लोग क्रिएट करते टाइम पे ऑप्शन दिखेगा तो विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, तो क्रिएट करते हैं क्या? आप एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया था हमने, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करके देखते हैं कैसे करना है स्नैपशॉट क्रिएट। जाओ स्नैपशॉट में, क्रिएट स्नैपशॉट। एक सेकंड ना, मुझे ना चार्जर कनेक्ट करने दो, चार्जर दिया।
मैं अभी जो बात कर रहा था, किसी ने सुना क्या कि मैं डिस्कनेक्टेड था? ओके नो सर, नहीं सुना। नो सर, ठीक है ठीक है, मैं शेयर करता हूँ उसके। मैं बात ही किए जा रहा था यार, अभी दिख रही स्क्रीन? ठीक यस सर, है, यस तो मैं अभी बोल रहा था कि स्नैपशॉट्स दो चीजों से, दो चीजों की क्रिएट किए जा सकते हैं, वॉल्यूम के और इंस्टेंस के। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ने वॉल्यूम क्रिएट किया, ईबीएस वॉल्यूम, तो उसका स्नैपशॉट क्रिएट कर, मतलब उससे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, एक ही अवेलेबल है तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्रिएट अ स्नैपशॉट। ठीक है, हो गया स्नैपशॉट क्रिएटेड, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अभी आप इससे ना वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एक्शन में, यहाँ पे देख रहे हो क्या आप एक्शंस के? यहाँ पे मेरा जो कर्सर जहाँ पे है, देख रहे हो यस यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट अ वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट एंड क्रिएट अ इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इंस्टेंस और वॉल्यूम से स्नैपशॉट बना सकते हो, और उसी स्नैपशॉट से उसे रिकवर करके इमेज भी बना सकते हो, इमेज मतलब एएमआई, और उससे ही वॉल्यूम भी बना सकते हो। मतलब समझो, मुझे इंडिया में मैंने एक इंस्टेंस बनाया है, तो एक यूटिलिटी देखते हैं इसकी। ठीक है, इंडिया में मैंने एक इंस्टेंस बनाया है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग हुई है, उसका डेटा ईबीएस वॉल्यूम में स्टोर हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट दिस डेटा इन अफ्रीकन रीजन, आई कैन कॉपी दिस स्नैपशॉट फ्रॉम इंडिया का रीजन टू अफ्रीका। मैं इस स्नैपशॉट से फिर से अगर वो इंस्टेंस को बनाना है मुझे, तो एएमआई क्रिएट कर सकता हूँ उसका, जो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे। व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज एंड एएमआई, हम लोग इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, उसका एएमआई क्रिएट करके मैं उस एएमआई को यूज करके इसका इंस्टेंस लॉन्च कर सकता हूँ। मतलब जो इंडिया में जो भी प्रोसेसिंग किया है ना, वो डेटा मुझे अफ्रीका में अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर, समझ गया ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब एज सच कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इससे इससे फिर से वॉल्यूम बना के देखे क्या, कर लोगे आप? ये करके दिखाना है, कुछ भी नहीं है यार इसमें। चलो देखो, स्नैपशॉट आईडी कुछ डालना भी नहीं है, फिर से क्रिएट हो गया, वॉल्यूम में जाते हैं, दो दो हो गए, पहले वाला एक था, अभी स्नैपशॉट से नया वाला क्रिएट किया हम। ठीक है, तो स्नैपशॉट क्या है, समझ में आ गया सबको? यस सर, ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम लोग ए एम आई पे। ओके, भूल जाऊंगा इसलिए, आदत लगा लो। पता है क्या, अगर उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई है ना किसी चीज की, तभी के तभी डिलीट कर दिया करो। ठीक है, तो हमने इस चीज यहाँ पे ऑलमोस्ट की पेयर देखा है, इलास्टिक आईपी मैंने समझाया है आपको, सिक्योरिटी ग्रुप देखा है, प्लेसमेंट ग्रुप की जरूरत नहीं है, नेटवर्क इंटरफेसेस हमें कभी जरूरत पड़ेगी आगे रेड शिफ्ट कनेक्शन में, तो हम लोग तब देखेंगे उसको। वॉल्यूम्स और यस सिक्योरिटी ग्रुप भी डिसेबल करना पड़ेगा या वो रहेगा तो नहीं नहीं चलेगा? ठीक वो चार्जेबल नहीं है उसको, मेरे को है, बहुत सारे है। ठीक है, वो चार्जेबल नहीं, ऐसी चीजें जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रिजर्व नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, या फिर आप अक्वायर करके नहीं रख रहे हो, वो सारी चीजें फ्री है। ठीक है, तो आप, ओके। हेलो तो सर, हमने यस एज यू क्रिएटेड द स्नैपशॉट वॉल्यूम फ्रॉम द स्नैपशॉट, सो दैट वी कैन यूज दैट वॉल्यूम, लाइक वी आर यूजिंग द ईबीएस वॉल्यूम फॉर द स्टोरिंग ऑफ इंस्टेंस, सो वी कैन यूज दैट वॉल्यूम टू स्टोर द इंस्टेंट ऑफ। स्टोर द इंस्टेंस, हाँ कुछ थोड़ा एलेबरेट करो क्या, मुझे समझ में आया। लाइक सर, वी आर क्रिएटिंग ईबीएस वॉल्यूम टू स्टोर द ईसी टू इंस्टेंसेस, टू लॉन्च द न्यू ईसी टू इंस्टेंसेस। हेलो, ईबीएस वॉल्यूम से ईसी टू इंस्टेंस, हाँ, यस, हाँ हाँ बराबर, तो एज यू क्रिएटेड द न्यू वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ अ स्नैपशॉट, सो वी कैन यूज दैट वॉल्यूम फॉर लॉन्चिंग न्यू ईसी टू इंस्टेंसेस ना।
चलो आप ना ये एक्टिविटी खुद खुद करके देखो और पूरे क्लास को बताना कर सकते हैं या नहीं। ठीक ओके है, सर, ओके ट्राई करो, ट्राई ओके करो। देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, हम लोग सारी कवर नहीं कर पाएंगे क्लास में, राइट। ओके सर, आई वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट, सो यस यस, आई यू शुड एक्सप्लोर इट एंड एंड इट्स अ गुड ओके सर, थिंग। ठीक है, और बताना क्लास में कि क्या उसका ये आया था। ठीक है ठीक ओके सर, है, चलो, मतलब ऐसी कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, मुझे पता है कैसे करना है वो। ठीक है, लेकिन आप खुद से ओके एक्सप्लोर करो और क्लास को भी बताना। ठीक है, सर, उसमें कुछ इश्यू तो आएगा नहीं, गारंटी है मुझे, आइदर पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। आप यू विल कम टू नो और बाद में आप क्लास को बता दोगे। कोई डिफिकल्ट चीज होगी ना तब हम लोग करेंगे। यू शुड एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स ऑन योर ओन। ठीक है, यस सर, तो ईबीएस में हमने वॉल्यूम्स और स्नैपशॉट्स कवर किए, हम लोग आते हैं इमेजेस पे अभी। ठीक है, व्हाट आर मशीन इमेजेस। ठीक है, हमारा पॉइंट आ गया है कि इसमें यस, हम लोग एएमआई पे आ गए अभी। ठीक है, तो व्हाट आर इमेजेस, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मशीन इमेज क्या हो सकता है, कुछ किसी का इमेजिनेशन कुछ बता रहा है कि क्या हो सकता है, कुछ भी। टेम्पलेट टेम्पलेट, देखो एक टेम्पलेट भी कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको टेम्पलेट तो नहीं बोलेंगे अभी के लिए, क्योंकि टेम्पलेट अलग चीज है, सिमिलर है लेकिन टेम्पलेट एक क्या बोल सकते हो, अगर एक ऐसी टू इंस्टेंस है ना, उसकी रेप्लिका की रेप्लिका आपको अगर मेंटेन करनी है फ्यूचर यूज के लिए, तो उसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी चलो टेम्पलेट पे आ ही गए, तो हम लोग टेम्पलेट कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है। ठीक है, आपको पता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का EC2 इंस्टेंस मुझे फ्यूचर में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, मतलब पड़ने ही वाली है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ इट एंड रीयूज इट अगेन एंड अगेन। मतलब टेम्पलेट में क्या क्या चीजें आती है तो आपको समझ में आएगा कि AMI हाउ इट इज डिफरेंट। देखो टेम्पलेट में आती है AMI, ठीक है, उसमें आते हैं आपके इंस्टेंस टाइप, मतलब जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम पे चीजें देते हो ना, तो वो टेम्पलेट में आ जाएंगी, सो दैट फ्रॉम टेम्पलेट डायरेक्टली यू कैन लॉन्च ए इंस्टेंस। समझ में आ गया ये टेम्पलेट क्या हो सकता है, समझ में आ गया, क्रिएट करना है क्या कोई टेम्पलेट। चलो हाँ सर, कोई EMI क्विक स्टार्ट के लिए ले लेते हैं EMI। जो ये जो सिलेक्ट कर रहे कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग जब ये टेम्पलेट से वो लॉन्च करेंगे इंस्टेंस, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगा। ठीक है, स्नैपशॉट भी अटैच कर सकते हो आप। ठीक है, साइजेस 8 GB, ठीक है, हम लोग EBS वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं और कुछ नहीं है, एडवांस में तो कुछ करना नहीं है, सो लेट्स क्रिएट दिस टेम्पलेट। ओके, अब हम लोग टेम्पलेट्स में जाते हैं। ये देखो, अब ये टेम्पलेट्स है ना, हम लोग इसको सिलेक्ट करके ना, कैन वी लॉन्च द इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, देखो आ जाएगा सब चीजें जो भी हमने सिलेक्ट की है, वो सारी चीजें आ जाएगी। अभी इसकी यूटिलिटी समझ में आई आपको, टेम्पलेट कब बनाओगे, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ एक बार, इसको समझ में आया बताएगा।
बालाजी उट्टे, बताओ यार टेम्पलेट कब यूज करेंगे हम लोग। मैं एम आई ऑडिबल? यस सर, यस बालाजी बोलो, टेम्पलेट कब यूज करेंगे हम? बोलो बोलो, अभी तो देखा यार हमने, क्रिएट भी करके देखा हमने, लॉन्च कर दिया। इससे तो समझ में आया मुझे, लॉन्च फील्ड। हम डिवाइस में मिला देते दिए, लेट्स मेक चेंजेस टू आर टेम्पलेट पोस्ट। बोलो बोलो बालाजी, कुछ तो बोलो यार, इतना थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, हम लोग टेम्पलेट बना रहे थे। और स्पेसिफिक इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करने के लिए यस, तो उसकी यूटिलिटी क्या है बोलो, मतलब यूज केस क्या होगी उसकी, कब यूज करेंगे हम लोग टेम्पलेट? वो अमेज़न मशीन इमेज में कब यूज करोगे बोलो? बोलो कुछ भी बोलो, मतलब ऐसे हेजिटेट मत करो, कि बोलने में हेजिटेट मत करो। गलत बोलोगे ना अभी, तो आगे जाके सही बोलना सीखोगे। अभी से डरोगे गलत बोलने का, तो आगे भी सेम ही मिस्टेक कमिट करोगे, आगे भी बोलना नहीं सीखोगे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप कुछ भी आंसर दो, कोई आपको जज नहीं करेगा। नो वन इज, मतलब कोई भी एंटाइटल्ड नहीं है किसी को जज करने पे। ठीक है, हर एक को कुछ चीजें आती है, कुछ नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी होगा ना जिसको बहुत चीजें आती है, उससे भी कोई बंदा होगा जिसको ज्यादा चीजें आती है, राइट? तो वो वाला हेजिटेशन निकाल दो अभी। गलत बोल रहे हो ना, दैट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द राइट आंसर। ठीक है, वो सोचो, बोलो जो भी पता है। तो क्रिएट रिप्लिका और इंस्टेंस यस, रेप्लिका ऑफ इंस्टेंस, मतलब यूज केस बताओ ना मुझे, मतलब कब यूज करोगे आप टेम्पलेट, कौन से केस में बनाओगे आप? बताओ बताओ, और कुछ सूझ रहा है आपको? ऐसे देखो बालाजी, कैसा है ना, टेम्पलेट मतलब क्या है, अगर आपको किसी एक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो रिपीटेडली यूज होने वाला है, तो आप हर बार जब इंस्टेंस क्रिएट करोगे, हर बार सेम चीजें इंसर्ट करके क्रिएट करोगे क्या? उससे नहीं। अच्छा क्या है, उसका एक टेम्पलेट बना के रख सकते हो, कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस टाइप का एक मुझे टेम्पलेट में बना के रख देता हूँ, मुझे ना ये टाइप के कॉन्फ़िगरेशन की, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की हर बार जरूरत पड़ती है, सो आई कैन लॉन्च द इंस्टेंस फ्रॉम दैट टेम्पलेट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, हर बार सेम चीजें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए आप? हाँ ठीक है, अभी आंसर करो फिर। सर, कैन वी से दैट इज सिमिलर टू द क्लास इन पाइथन, लाइक इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट फंक्शंस, सो वी कैन इफ वी इतने कनेक्शंस कैन मत लगाओ, इतने कनेक्शंस मत लगाओ, क्या मतलब, इसका क्या रिलेशन है क्लास से? मीन्स इफ वी वॉन्ट्स क्रिएट अ टेम्पलेट देन वी कैन यूज इंस्टेंसेज टू मीन्स क्रिएट द इंस्टेंसेज एवरी टाइम मीन्स वेन एवर वी नीड टू क्रिएट अ इंस्टेंस वी कैन यूज द टेम्पलेट देयर लेट मी थिंक, मुझे भी, मतलब मुझे ऐसे, आई डोंट नो, मुझे ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा है वो कोरिलेशन, किसी को हो रहा है क्या? मतलब जो प्राची ने बोला सही होगा, लेकिन मुझे ऐसे रिलेट नहीं हो पा रहा है पर्सनली मुझे। It means that if you want to access the similar features of the class again and again, यस so
instead of writing the whole code again and again, we will create one class, and for that class we will create instances. So इससे अच्छा whenever एनालॉजी मैं बताता हूँ आपको पाइथन के टर्म्स में. क्लास से अच्छा तो फंक्शन बोल दो ना. फंक्शन इज रियूजेबिलिटी, राइट? यू आर कॉलिंग अ फंक्शन अगेन एंड अगेन. क्लास से तो अच्छा फंक्शन बोल सकते हो आप कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, मतलब उसमें ना आप डायनामिक पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो. ठीक है, हाँ बोल सकते हो. चलो मुझे अभी समझ में आ गया. ठीक है, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि ना हम लोग जब टेम्पलेट से भी लॉन्च कर रहे हैं ना, वी कैन मेक चेंजेस टू इट. राइट राइट, करेक्ट प्राची, बराबर है. मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बराबर बोल रहे थे आप. ठीक है, थैंक यू सर. यस. तो फंक्शन का भी हो सकता है, फंक्शन में भी, मतलब फंक्शन का भी वही है, रियूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम. करेक्ट है. ठीक है, हम लोग एक बार ना ट्राई करते हैं. हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया था यार. एक सेकंड रुक जाओ. टेम्पलेट में ना ईबीएस वॉल्यूम का नाम गलत दिया. बिना टू माइक्रो रिपेयर एक रूट है. हम लोग ईबीएस नहीं अटैच करते, जरूरत नहीं है सच में. लेट्स गो टू लॉन्च टेम्पलेट्स एंड लेट्स. ओके, अभी ट्राई करके देखते हैं इससे कुछ इश्यू हो रहा है क्या. ओके, हो जाएगा, हो गया अभी. ठीक है, ठीक है, हो गया इंस्टेंस हमारा टेम्पलेट से लॉन्च. स्पेसिफिकेशन देखना है आपको, देख सकते हो आप. स्टोरेज स्पेसिफिकेशन रूट एक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने कॉन्फ़िगर किया था लॉन्च विज ऑड 11. नेटवर्किंग में तो कुछ ठीक है, समझ में आ गया क्या. अभी हम लोग टेम्पलेट क्यों यूज करते हैं, हमने करके भी देख लिया अभी टेम्पलेट से इंस्टेंस लॉन्च. ठीक है, यस यस सर. ओके सर. मैं ना इंस्टेंस डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं एएमआई क्या है. हम लोग एएमआई से ना इसमें आ गए थे, टेम्पलेट में आ गए थे. तो किसी ने बोला था ना कि एएमआई आर लाइक टेम्पलेट्स, इसी इंस्टेंस टेम्पलेट्स. अब आपको अभी समझ में आएगा कि एएमआई टेम्पलेट नहीं है. एएमआई क्या है बेसिकली, सॉर्ट ऑफ एक क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सर्टेन हार्डवेयर फीचर्स है एएमआई. इफ यू से दैट कि एक हार्डवेयर की जो चीजें हैं ना, हम लोग उसमें कॉन्फिगर करके रख रहे हैं. जो प्रीबिल्ट एएमआईज भी है बहुत सारी, गिव मी अ मिनट. आई विल टेक 2 मिनट्स. हाँ.
यस आई एम बैक। ओके ठीक है, तो हम कहाँ पे थे वैसे? AMI. AMI. AMI, राइट। हाँ तो AMI का फुल फॉर्म क्या है? अमेजोन मशीन इमेज, राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं, अमेजोन मशीन इमेज। तो पहले मशीन इमेज क्या होती है पता है क्या? मशीन इमेज ऐसी चीज है, सॉर्ट ऑफ ये एक कॉन्फिगरेशन है विच हैव सर्टेन हार्डवेयर फीचर्स, लाइक कितना कंप्यूट होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगी, या फिर उसके जो फीचर्स है ना, जो भी आपके बेसिक कंप्यूटर के फीचर्स है OS रिलेटेड या फिर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो एज अ पैकेज प्रोडक्ट AWS आपको कुछ प्री कॉन्फिगर्ड AMI देता है, ठीक है, सो दैट यू नीड नॉट टू कॉन्फिगर दोस, ठीक है। तो सिर्फ AWS ही AMI देता है क्या? नहीं, देर आर सर्टन AMI दैट आर अवेलेबल एट डिफरेंट, बहुत जगह पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे AMI कैटलॉग में जाओगे ना, तो आप खुद तो AMI क्रिएट कर सकते हो, कस्टम AMI, ठीक है। AMI मार्केट प्लेस होती है कि लोग AMI क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, यू कैन बाई इट फ्रॉम हियर। और कुछ कम्युनिटी या AMI होती है जो लोग पब्लिश कर देते हैं फॉर फ्री टू यूज बेसिस, मतलब आप यहाँ से जो भी उठा रहे हो आपको शायद चार्जेस नहीं लगेंगे उसके, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और ये क्विक स्टार्ट AMI है ना, तो ये AWS ने प्री कॉन्फिगर्ड चीजें दी है। तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे मेन चीजें क्या क्या आती है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और क्या आता है जो, हाँ मतलब मेन मेन चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड ही आती है इसमें, ठीक है। तो कौन से बिट का आर्किटेक्चर है, वो सारी चीजें आती है, ठीक है। तो हम लोग जब AMI बनाएंगे ना, देखो हम लोग एक कस्टम AMI बना के देखते हैं अभी। तो देखो कस्टम AMI बनाने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन बिल्ड इट टू EC2 इमेज बिल्डर, और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम EC2 इंस्टेंस इटसेल्फ यू कैन क्रिएट इट्स AMI। मतलब क्या है, अभी आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेम्पलेट और AMI में डिफरेंस क्या है, राइट right? यस किसी को सर, क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन आ रहा है ये? यस बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस, लाइक मींस वी हैव व्हाट टू इज द आंसर टू प्रोवाइड, दैट? व्हाट इज द आंसर टू दैट? आई थिंक AMIs कैन नॉट बी यूज्ड लाइक इन केस ऑफ टेम्पलेट्स वी वेर यूजिंग इट फॉर, नो, क्रॉस रीजन्स, लाइक AMIs कैन नॉट बी यूज्ड लाइक वाइज। क्रॉस रीजन, ओके, राइट, बट इट कैन बी कॉपीड अक्रॉस रीजन ऑल्सो, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट कैन बी कॉपीड अक्रॉस अदर रीजन्स ऑल्सो, दैट्स नॉट एन इशू। मतलब क्या है, देखो अक्षय, अभी हमने जो टेम्पलेट लॉन्च किया ना, वहां पे एक AMI कॉम्पोनेंट है, देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट आर अटैच टू, देखो एक मशीन है उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पार्ट है क्या? बाकी चीजें भी है, यस राइट बाकी चीजें भी है, जैसे इंस्टेंस टाइप से हम लोग कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं उसको, या फिर मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट है, राइट, वो हार्डवेयर पार्ट है। तो इसमें ना मैंने गलती से शायद AMI में ना हार्डवेयर पार्ट दो बार बोल दिया ना, तो वैसा नहीं है हार्ड, यहाँ पे ना AMI में OS रिलेटेड पार्ट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पैकेज होता है पूरा, जो भी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज होती है, वो प्री कॉन्फिगर्ड AWS हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टन इनबिल्ट AMI, ठीक है। वी कैन क्रिएट आर ओन AMI बाय टू वेज, EC2 इमेज बिल्डर से, लेकिन हमें ना AMI क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वी आर नॉट इन दैट बिजनेस, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ना एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन EC2 इंस्टेंस से AMI कैसे क्रिएट करते हैं वो देख सकते हैं लगे तो, लेकिन हमने वो भी टर्मिनेट कर दिया। चलो एक इंस्टेंस बना लेते हैं, उससे ना एक इंस्टेंस से डायरेक्टली AMI क्रिएट हो जाती है, मतलब आप AMI से इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे वॉल्यूम से स्नैपशॉट और स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते थे आप, जैसे इंस्टेंस से स्नैपशॉट और उस इंस्टेंस स्नैपशॉट से फिर से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, सेम है कि यू कैन क्रिएट एन AMI फ्रॉम एन इंस्टेंस, और उसी AMI से आप फिर से इंस्टेंस क्रिएट कर पाओगे।
ठीक है, तो हम ना सचिन में इन केस ऑफ टेम्पलेट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम एन इंस्टेंस लाइक इन केस ऑफ AMI. नो नो नो, यू कैन नॉट, कैसे ओके. करोगे? कर एंड इन केस ऑफ AMI वी आर सकते हैं यार, एक अवॉइडिंग, सेकंड, हम लोग देखेंगे. ओके, क्योंकि टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग. नो, फ्रॉम एन इंस्टेंस कैन वी क्रिएट अ टेम्पलेट इन केस ऑफ AMI वी आर तो एक क्रिएटिंग. बार लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन है क्या वहां पे, ठीक है? कि या फिर टेम्पलेट करते वक्त हमें कोई ऑप्शन आया था क्या वैसे, कि कोई इंस्टेंस की कॉपी का टेम्पलेट करना है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था वहां पे कुछ. लेट्स सी, हमारा इंस्टेंस लॉन्च होने दो, वी विल सी वेदर देयर इज ऑप्शन और नॉट. बिकॉज मैंने भी यार टेम्पलेट, हम लोग इस बिजनेस में नहीं है तो हम लोग क्रिएट ही नहीं करते ऐसे, राइट? तो मैं, मुझे भी आई एम नॉट वेरी मच श्योर. तो देखते हैं, हम लोग फिगर आउट करते हैं साथ में, ठीक है? यस yes. हाँ देखो, चलो इसमें तो सब कुछ हो गया. ठीक है, इसको प्रोविजन होने दो हम लोग. यस, यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस. वही तो, शायद हमें ना टेम्पलेट क्रिएट करने के टाइम पे भी आया था ऑप्शन, ठीक है? और ये जो क्रिएट इमेज है ना, ये होती है AMI आपकी, समझ गए आप? यस. लेकिन इसमें डिफरेंस तो है ना, अगर आप इंस्टेंस से भी क्रिएट कर पा रहे हो टेम्पलेट, लेकिन टेम्पलेट इंक्लूड्स AMI एंड अदर थिंग्स, राइट? मतलब आप टेम्पलेट से डायरेक्ट डायरेक्ट ये बना सकते हो, इंस्टेंस ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा इफ यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस इन द टेम्पलेट. सिर्फ टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड लॉन्च लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम दिस टेम्पलेट करना है, राइट? लेकिन AMI से डायरेक्टली इंस्टेंस बना पाओगे क्या? नहीं, आपको AMI एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंस्टेंस रहेगा, बाकी चीजें तो आपको देनी पड़ेगी ना, Like बराबर? hardware things. यस यस एग्जैक्टली, इंस्टेंस टाइप्स, Course नेटवर्किंग थिंग्स, type. हार्डवेयर थिंग्स, नेटवर्किंग थिंग्स देनी पड़ेगी, राइट? Yes. यस, वही हो गया डिफरेंस. मतलब AMI इज अ सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ अ थिंग, और आपका टेम्पलेट है ना, विच इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड फॉर इंस्टेंस के सारे कॉन्फ़िगरेशन वहां पे है, एंड इट कैन लॉन्च रेडिली अवेलेबल, इट कैन लॉन्च एन इंस्टेंस फ्रॉम रेडिली अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन. यू कैन से दैट, राइट? इसकी जरूरत कब पड़ती है पता है क्या? जब ऑटो स्केलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तब हम लोग ना टेम्पलेट से उसको स्केल अप करते हैं. मतलब कोई भी एक टेम्पलेट यूज हो रहा है ना, तो वो रेफरेंस, एज ए रेफरेंस AWS यूज करता है उसको, कि नेक्स्ट इंस्टेंस जो लॉन्च करना है जब डिमांड बढ़ती है, तो वो टेम्पलेट के कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस लॉन्च करता है, ठीक है? तो क्रिएट करना है क्या इसका इमेज? हाँ, टैग इमेज एंड नाम फिट करेगा. AMI में देखते हैं हमारे कस्टम AMI में कुछ आएगा. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स. ये देखो, अभी हम ना इसे लॉन्च करके देखते हैं. ध्यान दे रहे होगा सब लोग क्या कर रहे हैं हम लोग? यस यस सर. ये देखो, अब जो हम लोग बोल रहे थे अभी, जो चीज AMI से बना रहे हो इंस्टेंस, लेकिन बाकी की चीजें तो देनी पड़ रही है आपको, राइट? बराबर है, नेटवर्किंग रिलेटेड चीजें आपको खुद से देनी पड़ रही है. यस सर. यस सर. हमने AMI कैटलॉग से हमारा कस्टम AMI तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाकी चीजें तो देनी पड़ेंगी, जो हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, राइट?
ठीक है, तो फिर से लॉन्च करने की जरूरत है इसको, अभी तो समझ में आ गया होगा। ठीक यस यस है चलो लेट्स मूव अहेड। मैं ना ये डिलीट कर देता हूँ बस। और किसी चीज का क्लीनअप की जरूरत है क्या, हमने और कुछ किया था क्या? यस क्लियर। टेम्पलेट ही किया था उसको करना है क्या? क्या क्या टेम्पलेट किया था तो उसको करना है क्या? नहीं ना, टेम्पलेट का कुछ नहीं है सो इंस्टेंस। थैंक चला गया ये वॉल्यूम। स्नैपशॉट भी नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भूल जाऊंगा इसलिए यहाँ पे अभी 2 मिनट रुका। मिनट तो रहने दो इसको, यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ थे अभी? AMI पे थे। तो AMI के कुछ पॉइंट्स लिख लो, क्या हो सकते हैं पॉइंट्स AMI के? क्या बोला था हमने? AMI प्रीकॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन सेट, यस यू कैन से दैट। ब्लूप्रिंट ऑफ वर्चुअल मशीन। या ब्लूप्रिंट ऑफ वर्चुअल मशीन। ब्लूप्रिंट यार, ब्लूप्रिंट मतलब टेम्पलेट नहीं हो गया क्या? वहां पे सिर्फ हमने वर्चुअल मशीन में जो भी डेटा कंटेंट होगा उसका हम यहाँ पे दे रहे, लिख के रख रहे हैं ना हाँ AMI हाँ में, तो वैसे ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं उस। हाँ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो वैसे यार। प्री कॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हो आप। क्लोन ऑफ इंस्टेंस, क्या क्या क्लोनिंग ऑफ इंस्टेंस, कलेक्शन ऑफ सर्टन ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। बोल सकते हो, बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी बोलो यार, अपने हिसाब से लिख लो अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ना इसका प्रॉपर डेफिनेशन, ऐसा कुछ आइडियल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा वेग हो जाता है ये टर्म, प्री कॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन बोलना भी। तो देख लो, अगर आपको कुछ और अच्छी डेफिनेशन मिल जाती है इसकी। प्री कॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन इमेज दैट कैन बी क्रिएटेड टू लॉन्च एन इंस्टॉल। ठीक है, और कुछ है क्या मेरे पास AMI में? याद नहीं आ रहे। हाँ, देर आर टू वेज टू बिल्ड इट ना। और ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, EC2 इमेज बिल्डर वगैरह कुछ काम की चीजें नहीं है। आपको AMI से आ गया, मतलब EC2 इंस्टेंस से AMI बनाना आ गया बहुत है, आपको समझ में आ गया वही बहुत है। ठीक है, और क्या पॉइंट है? किसी को याद आ रहा है कोई पॉइंट हमने बोला है लिखा नहीं? हाँ, इट कंटेन्स, राइट, कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू OS, राइट, OS सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज। सॉफ्टवेयर यस राइट, और एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है चलो, हमने AMI तो देख लिया, हमने डेमोन्स्ट्रेट भी कर लिया AMI कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट देख लिया हमने, लॉन्च टेम्पलेट को डिफाइन करने की जरूरत है, खुद से कर लोगे अभी? ठीक है, खुद से कर लो ये लॉन्च टेम्पलेट। पता है आपको क्यों यूज हो रहा है? यूज केस लिख लो इसकी, कि रीयूजेबिलिटी के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे, स्केलेबिलिटी के। ठीक है, आई थिंक हम लोग इतनी चीजें खत्म करेंगे आज, इलास्टिक लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग को, और बाद में हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी मतलब क्या है? हमने स्केलेबिलिटी सुना है किसी ने? हमने जब फीचर्स डिस्कस किए थे क्लाउड के, तो आपने बोला था कुछ लोगों ने कि
क्लाउड इज बेटर स्केलेबल, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू स्केल ऑन प्रेम एनवायरमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्केलेबिलिटी क्या हो सकते है? कैपेसिटी थोड़ा तेज बोलो, मतलब इन लाउडर वॉइस. वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी हाँ, इन व्हाट टर्म्स इन द कैन? रिसोर्सेस कैन इंक्रीज इट सॉरी, इन एलडीडी वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग और इन ऑल मैनर. अच्छा, मुझे मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कंप्यूट मेमोरी, राइट? या एक्चुअली ओके, कंप्यूट मेमोरी स्टोरेज. तो ये कैपेसिटी सिंगल मशीन लेवल पे ही इंप्रूव हो सकती है, या फिर हम लोग कलेक्शन ऑफ मशीन्स को भी टुगेदर करके, पुल करके ऐसे भी कर सकते हैं? दोनों भी तरीके से कर सकते हैं, राइट? मतलब यस समझो, सर एक मशीन है आपके, इसमें उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करके भी आप अपने सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो. या फिर व्हाट यू कैन डू इज, एक मशीन है वैसी की और एक मशीन लेके आओ, दोनों को नेटवर्क से अटैच करो एंड यूज द कंबाइंड कंप्यूट, कंबाइंड रैम, कंबाइंड एवरीथिंग फॉर योर यूटिलिटी. कर सकते हो वो भी? यस सर कर यस सकते सर. हैं. EC2 ऐसी है ना सर, ऑटो स्केलिंग ही है, हम हम लोग डिमांड के ऑटो, बेस पे ही कर रहे हैं. हाँ, मैं आऊंगा उस पे, आऊंगा वर्टिकल स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी पे आऊंगा. आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस पॉइंट ओनली, ठीक है? सो स्केलेबिलिटी, आप जैसे बोल रहे हो कि एक कोई मशीन है उसका हार्डवेयर अपग्रेड करके कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्केलेबिलिटी. समझ में आया? हम यस लोग अपग्रेड कर ले हार्डवेयर लेवल पे फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन. मतलब हम लोग नंबर ऑफ मशीन बढ़ा रहे क्या इसमें? नो सर नो सर नो, राइट? तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में हम लोग वी अपग्रेड द हार्डवेयर. हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन टू अचीव क्या बोल सकते हो, अचीव, रिक्वायरमेंट यस, कंप्यूट मैनेज लोड्स. हाँ, एक सेकेंड ना, इंक्रीज सर्वर नीड्स बोल सकते हैं, राइट? हम इंक्रीज्ड सर्वर नीड्स, राइट, बोल सकते हैं. तो पावर. यस सर अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मशीन्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? तो अब वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या हो गई फिर? सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या हो गई? रिमूव कर सकते हैं हम नंबर उसमें क्या? ऑफ एडिंग और रिमूव कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंस को डिमांड के बेस पे. अरे वो तो ऑटो स्केलिंग हो गया भाई. स्केलेबिलिटी मतलब हम लोग इन जनरल ना बढ़ाने की बात करते हैं, स्केल बढ़ाना, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना ऑटो स्केलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे आएगा. देखो ऑटो स्केलिंग का बराबर है, तो बोल सकते हो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब विथ रिड्यूस डिमांड के साथ कम करना भी, ठीक है? बराबर, चलो. तो मतलब हम लोग इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चेंज कर रहे हैं, राइट? आर एडेड और रिड्यूस, ठीक है? टू अचीव, टू एड्रेस इवॉल्विंग सर्वर नीड्स. ठीक है, और कोई पॉइंट? हम लोग इस पे मशीन लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं क्या हार्डवेयर? नो नो सर ये तो लिख लो पॉइंट, नो चेंज इन एट लेवल ऑफ
on the role of particular instance. ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी? यस सर, क्लियर है? यस सर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर, ठीक है, चलो तो एग्जांपल दे दो वर्टिकल स्केलेबिलिटी का इन टर्म्स ऑफ ईसी टू, एग्जांपल दे दो कुछ भी। आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है तो आप बताओ मुझे कि सर ये करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग वर्टिकल स्केलेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर अगर ये चीज करेंगे तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे इसी। बोलो अभी वी कैन अटैच वन मोर स्टोरेज। एक 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 हैंड रेस करो, वन एट अ टाइम प्लीज हैंड रेस कर दो, कुछ इशू नहीं है। बोलो राकेश। हेलो, यस बोलो राकेश। सर वी कैन इंक्रीज द रैम एंड सीपीयू। कैसे कर सकते हो? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक दो, स्पेसिफिक्स कहाँ से करते हो वैसे? आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है, कहाँ से करते हो आदित्य? बोलो आदित्य। मैं ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ आदित्य बोलो ना। सर इंक्रीज स्केल करना है उसको, हम पहले अगर T2 नैनो यूज करते थे तो उसको हम फिर बाद में इंस्टेंस टाइप चेंज कर लिया, मतलब आपने वर्टिकली स्केल कर लिया। आई नो कंप्यूटर मेमोरी को चेंज करोगे, लेकिन इसी टू के टर्म्स में बोला है तो मतलब कुछ स्पेसिफिक्स बताओ। राइट, यस T2 नैनो T2 माइक्रो को T2 लार्ज कर लिया या फिर M5X लार्ज कर लिया, मतलब आप अपग्रेड कर रहे हो अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। राइट, वो हो गया वर्टिकल स्केलेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर मशीन लेवल। अभी बताओ हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का क्या एग्जांपल हो सकता है? मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं किसी से, किसी को पता रहना, लेकिन अगर पता है तो देखो बस। एडिंग मोर इंस्टेंसेस, एडिंग मोर इंस्टेंसेस कहां पे? हां वही जैसा T2 माइक्रो, फिर T2 माइक्रो यूज करना। अरे वो तो एसी टू, मतलब वो तो वो कैसे हो गया हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी? इंस्टेंस टाइप्स ऐड करने के बाद एक इंस्टेंस में दो इंस्टेंस टाइप्स कैसे ऐड करोगे यार, बताओ। डू यू थिंक कि आप सही बोल रहे हो, या फिर मतलब अगर बोल रहे हो आपको लगता है सही बोल रहे हो तो ट्राई टू कन्विंस मी। बोलो ना। सर नहीं सर, एक ही अपन T2 माइक्रो यूज कर सकते हैं, फिर से नहीं यूज कर सकते हो। राइट राइट, एक हाँ वही तो क्या है ना, आप एक मशीन में एक ही कॉन्फ़िगरेशन दोगे ना तो वो हो गई अलग मशीन। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लस्टर, आपने स्पार्क पढ़ा है तो क्लस्टर के बारे में तो पता होगा आपको, क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम बोलते हैं हम लोग। क्लस्टर क्या है? चलो मुझे बताओ व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर इज कनेक्शन ऑफ मशीन्स, कनेक्शन ऑफ मशीन्स राइट, देयर आर मल्टीपल। तो EC2 के लैंग्वेज में बोलोगे तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस। यस सर, अगर अबे आपके क्लस्टर में 10 इंस्टेंसेस है एंड यू आर एडिंग फ्यू मोर इंस्टेंसेस इंस्टेंसेस टू यार क्या हो गया, फ्यू मोर इंस्टेंसेस टू इट, तो उसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। एग्जैक्टली, यही एग्जांपल देना था कि हॉरिजॉन्टली स्केल करना मतलब वही हो गया ना कि आप मशीन ऐड कर रहे हो किसी नेटवर्क में। राइट, समझ गए आपको दोनों? सर यस सर। ओके राकेश, आपको समझ में आई है क्या? यस सर, यस सर, अभी समझ आ गया। हाँ ठीक, चलो ठीक। और क्या है अभी आगे की कॉन्सेप्ट है हमारे लिए? चलो लेट्स गेट बैक टू दैट। हाँ, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। ठीक है, एक पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। ठीक है, ये ना चीज है इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्ट है ना, ट्राई टू वॉच सम वीडियोस
क्योंकि हम ना ये चीजें कवर करके आगे वाली चीजों में ना लेस टाइम स्पेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना ब्लू EMR रेडशिफ्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर करनी है, ठीक है। तो ये सब ये छोटी चीजें हैं जो हम यूज भी नहीं करेंगे कभी, ठीक है। जो फ्रंट एंड मतलब बैक एंड डेवलपर्स है वो लोग चीजें ऑटो स्केलिंग ये सब चीजें वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हमें EMR में भी आएगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ना व्हाट आर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, व्हाट इज लोड बैलेंसिंग, ये सब चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग एज सच कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, आप अपने एंड से कोई वीडियो देख के एक बार कर लो ट्राई, इफ यू फेस एनी इश्यूज वी कैन रिजॉल्व दैट, ठीक है। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर इन इटसेल्फ एक वर्ड जो एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि इट इज बैलेंसिंग सर्टेन लोड, राइट। मतलब आइदर मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री फ्रॉम विच इट इज बैलेंसिंग सर्टेन थिंग्स। क्या कर रहा है मतलब देयर इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस अवेलेबल, एक क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम है समझो, चार से पांच इंस्टेंसेस है जिसका एक कॉन्फिगर करके हमने सर्वर बनाया है, ठीक है। तो वहां पे नेट ट्रैफिक आएगी वेबसाइट की, वेबसाइट की जब ट्रैफिक आएगी तो इलास्टिक लोड बैलेंसर एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट जो डिसाइड करता है कि किस मशीन पे ये वाले रिक्वेस्ट जानी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा बोलो, इससे फायदा क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड ऑफ एग्जैक्टली मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बहुत लोड नहीं आएगा, ठीक है। वी आर प्रिवेंटिंग द फेल्यूर इन दैट रिगार्ड, फेल्यूर ऑल्सो फेल्यूर इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंस का फेल्यूर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फेल्यूर इन रिक्वेस्ट ऑल्सो, राइट। बराबर, डिक्रीजिंग द ओवरलोड लेटेंसी टाइम। डिक्रीजिंग द लेटेंसी, एग्जैक्टली बराबर। अगर एक ओवरलोडेड इंस्टेंस पे आपका रिक्वेस्ट जा रहा है अगर, तो आपकी रिक्वेस्ट को एड्रेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब बराबर है, वो भी पॉइंट बराबर है। और क्या हो सकता है बोलो, लोड बैलेंसिंग क्यों सर टू करना? एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं। यस यस हाँ, मतलब लेटेंसी हाई अवेलेबिलिटी, यस यू कैन से दैट, यस डेफिनेटली। क्योंकि हाँ हेलो अच्छा पॉइंट है, नहीं मुझे हाँ एक्सप्लेन करने दो इसको पहले, उसके बाद आप बोलना। हाई अवेलेबिलिटी कैसे, कैसे कि आपके अगर सारे जो इंस्टेंसेस है वो अलग अलग रीजन्स में है, रीजन अवेलेबिलिटी जोन में है। यार ये सब चीजें अवॉइड करो यार, पूरा ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पांच EC2 इंस्टेंसेस है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, तो अगर कोई एक इंस्टेंस फेल भी हो जाता है ना, यू आर एंश्योरिंग दैट बाकी के इंस्टेंसेस एज दे आर इन अदर अवेलेबिलिटी जोन्स, तो आपले आपके एप्लीकेशन को उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मीन्स दैट मीन्स यू आर एंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी, करेक्ट, गुड पॉइंट। यस सर, आप नाम बता दिया करो मुझे कि किसने बोला था पहले। शारदा ओके ठीक। शारदा और कोई बोल रहा था कुछ चीज, मैंने रोका था बीच में। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के बारे में कुछ बोल रहा था, कोई ऐड करनी है किसी को चीज? नहीं तो हम लोग एक इमेज देखते हैं, उससे थोड़ा समझ में आएगा हमें कि लोड बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है। ये वाला नहीं, ठीक है। ये देखो ये इमेज में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसेस, ठीक है, AWS प्रोवाइड करता है, और एक फोर्थ भी था वो डेप्रिकेट हो गया है अभी। तो थ्री टाइप्स कौन से है, एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है गेटवे लोड बैलेंसर, और तीसरा नेटवर्क है ऐसा, हाँ नेटवर्क लोड बैलेंसर। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स, ठीक है। तो एक पहला था क्लासिक, क्लासिक लोड बैलेंसर था, वो अभी डेप्रिकेट हो गया, मतलब इट हैज रिटायर्ड, अभी कोई AWS प्रोवाइड नहीं करता है वो, ठीक है। तो तीन टाइप के लोड बैलेंसर है, दिस इज वन अमाउंट है, ठीक है। हमें इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, और गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है, हमें कुछ काम की चीज नहीं है हमारे लिए। जस्ट टू सी कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लोड बैलेंसर, हम लोग ये देखते हैं।
चार इंस्टेंसेस है, तो डिपेंडिंग ऑन मतलब आपका लोड बैलेंसर ना इतना इंटेलिजेंट है, यहाँ पे इतने ज्यादा इतने कंप्यूटेशंस हो सकते हैं कि इट कैन अंडरस्टैंड एट व्हाट इंस्टेंस हाउ मच लोड इज देयर. ठीक है, मतलब अगर इस इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा है या फिर ये बहुत ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, तो इट कैन अंडरस्टैंड कि इट विल टेक टाइम टू एड्रेस दैट रिक्वेस्ट. तो ये क्या करेगा, स्मार्टली ये इसको यहाँ पे डाइवर्ट करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीजें, समझ में आ रही है क्या, समझ यस सर. में आ रही है राइट? सिंपल है ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, ऐसा नहीं है कुछ समझ में आने लायक नहीं है राइट? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना एक टारगेट ग्रुप करके दिख रहा है, यहाँ पे दिख, ब्लू टारगेट ग्रुप, ग्रीन टारगेट ग्रुप. इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हम लोग ना एप्लीकेशन लोड मतलब कोई भी लोड बैलेंसर में कंडीशनल डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक डिटरमाइन कर सकते हैं. मतलब वी कैन सेट सर्टेन रूल्स विच अगर वो रूल सेटिस्फाई होते हैं तो एक सर्टेन इंस्टेंस पे ट्रैफिक ड्राइवर डाइवर्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ यहाँ से हमें क्या समझ रहा है, समझो ये ब्लू टारगेट ग्रुप में ये दो इंस्टेंसेस है ऊपर वाले और ग्रीन टारगेट ग्रुप में नीचे वाले इंस्टेंसेस राइट. तो एक कोई कंडीशंस या रूल्स हम लोग लोड बैलेंसर में डाल सकते हैं कि यार समझो अगर ये आईपी रेंज से अगर रिक्वेस्ट आ रही है एक रेंज ऑफ आईपी से तो इसको ना इसमें ये इनसे एड्रेस कराओ, अगर और कोई आईपी रेंज से आ रही है तो इससे एड्रेस कराओ नीचे वाले से. ठीक है, ये एक रूल हो गया. देयर कैन बी डिफरेंट रूल्स दैट यू कैन अप्लाई राइट, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टेंस कॉन्फिग्रेशन या फिर अवेलेबिलिटी जोन. आपको नेटवर्क लेटेंसी कम करानी है, ठीक है, तो आप कौन से रीजन से रिक्वेस्ट आ रही है वो दैट ऑल्सो कैन बी अ पैरामीटर. एम आई मेकिंग सेंस? यस ठीक सर. है, यस सर. आपका सर्वर है, एक ईसी टू इंस्टेंस आपने मुंबई में लॉन्च किया है, एक ईसी टू इंस्टेंस आपने हैदराबाद में लॉन्च किया है. ठीक है, मतलब मल्टीपल ईसी टू इंस्टेंस, कुछ मुंबई में है कुछ हैदराबाद में है. अगर चेन्नई से रिक्वेस्ट आ रही है, इट इज बेटर टू एड्रेस दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ ईसी टू इंस्टेंस फ्रॉम हैदराबाद राइट. तो रीजनल प्रॉक्सिमिटी का एक कंसिडरेशन दे के हम लोग वहां पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं. सो बराबर है, मेकिंग सेंस? सो दिस थिंग्स यू कैन कॉन्फिगर, मतलब टारगेट ग्रुप में ना यू कैन पुट सम ईसी टू इंस्टेंसेस विच विल गेट कॉल्ड अपॉन फॉर एड्रेसिंग द रिक्वेस्ट वेन एवर सर्टन रूल्स सेटिस्फाइज. समझ गए? यस सर. ठीक है, चलो सिंपल था ये, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है. कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं इसमें ना, क्या हो सकता है, क्या पॉइंट्स हैं? ये क्या है, एक सर्वर ही है ना, सर्वर दैट कैन फॉरवर्ड ट्रैफिक टू मल्टीपल अदर सर्वर्स और इसी टू इंस्टेंसेस लिख लेते इजियर, टू डिफरेंट इसी टू इंस्टेंसेस डाउनस्ट्रीम. ठीक है, हो गया ये इलास्टिक लोड बैलेंसर. इसमें कुछ चीजें हैं, हम लोग क्या क्या कॉन्फिगर कर सकते हैं पता है क्या? अभी आपके सारे ईसी टू इंस्टेंसेस है ना, उसके डीएनएस अलग हो गए राइट, लेकिन आप कोई वेबसाइट को हिट करते हो तो हर बार एक सेम डीएनएस से हिट करते हो. तो व्हाट यू कैन डू विद लोड बैलेंसर इज यू कैन कॉन्फिगर अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस डीएनएस. तो मतलब उस डीएनएस पे हिट करोगे आप, वहां से ट्रैफिक फिर लोड बैलेंसर का वो डीएनएस होता है, वहां से आप ट्रैफिक फिर डाइवर्ट करते हो. मतलब जो बैकग्राउंड में ईसी टू इंस्टेंसेस के डीएनएस है, यू हैव नथिंग टू डू विद इट. ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू योर एप्लीकेशन मिल रहा है इससे. बाय क्रिएटिंग कॉमन डीएनएस एट
ELB लेवल। समझ में आ गई ये पॉइंट? यस। ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। ये अच्छा पॉइंट था। स्पोर्ट्स क्रॉस रीजन्स, हाई अवेलेबिलिटी लिख लेते बस। चलो ठीक है, ईएलबी हो गया यहाँ पे, और क्या है, थ्री टाइप्स लिख लेते हैं। और क्या है थ्री टाइप्स? एप्लीकेशन, लोड बैलेंसर, नेटवर्क है ना। गेटवे है ठीक है। और कोई पॉइंट मिस किया हमने इसलिए याद आ रहे थे? नहीं राइट, हो गया ना ईएल भी हमारा। अभी ऑटो स्केलिंग रूल ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग क्या है, मतलब जो स्केलिंग विच कैन बी ट्रिगर्ड अपॉन ऑटोमेटिकली राइट, मतलब हमारे वर्कलोड की नीड्स के हिसाब से वी आर एबल टू कॉन्फिगर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट आर करेंटली रनिंग राइट। ऑटो स्केलिंग मतलब वो हो गया सिंपल, आइदर यू कैन स्केल आउट और स्केल इन द इंस्टेंसेस। मतलब देखो समझो, कोई भी हमारी वर्कलोड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, अगर मेरे पास पांच इंस्टेंसेस है, पांच इंस्टेंसेस में वो एड्रेस नहीं हो पा रहा है, तो आई शुड बी एबल टू इंक्रीज दोस इंस्टेंसेस टू 10 टू एड्रेस माय वर्कलोड इफेक्टिवली। अगर मेरा पांच इंस्टेंसेस प्रोविजेंट है, मेरे ये यूज ही नहीं हो रहे, मेरा वर्कलोड स्मॉलर है, तो आई शुड नॉट वेस्ट दो फाइव प्रोविजेंट इंस्टेंसेस और रिड्यूस मीन्स स्केल इन दोज इंस्टेंसेस, मतलब पांच से दो को जाना है ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैन हेल्प यू अचीव दैट ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप किस चीज के लिए करेंगे हम लोग यूज? फॉर स्केलिंग बेस्ड ऑन चेंजिंग वर्कलोड नीड्स ठीक है। स्केल इन स्केल आउट क्या होता है? स्केल आउट मतलब इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस फॉर एड्रेसिंग इंक्रीज डिमांड। स्केल आउट क्या होगा? सेम कॉपी कर देता हूं। लिंक क्या होगा फिर अपनी? डिक्रीजिंग इंस्टेंसेस फॉर एड्रेसिंग डिक्रीज डिमांड ठीक है। ये समझ में आ गया? अब हम लोग ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप एटलीस्ट यूआई पे देख लेते हैं। हम लोग ना इसको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू बी ऑनेस्ट कि आप हिट कैसे करोगे आपके EC2 इंस्टेंस को ठीक है। अगर मैं ये चीज फिगर आउट कर लेता हूँ ना, मुझे एज सच नेसेसरी नहीं लगती, इसलिए ना मैंने डेमोन्स्ट्रेशन लिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग ना सिर्फ क्या करना है वो देख लेते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन होते हैं ठीक है। हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन EMR में तो करने ही वाले कि वहां पे हमारा इंस्टेंस क्लस्टर स्केल अप स्केल डाउन कैसे हो रहा है हम लोग देखने वाले, वहां पे इजी है डेमोन्स्ट्रेट करना ठीक है। SG1 टेम्पलेट वन यूज कर लेते। देखो मैंने बोला था, अभी किसी को याद है मैंने बोला था कि ASG में हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे
बोलो यस सर, राइट यस सर, क्यों यूज कर रहे टेम्पलेट, बोलो 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 बिकॉज इन देयर वी कैन ऑलरेडी क्रिएटेड द इंस्टेंसेस, सो टू हाँ कॉपी द कॉन्फ़िगरेशंस. यस क्या कॉपी द कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं ना उसको, हाँ उसको बोल रहे हैं कि ये टेम्पलेट रेफर करके अपस्केलिंग और डाउनस्केलिंग कर, राइट अगर आपको स्केल आउट करना है तो ये इंस्टेंस का टेम्पलेट रहेगा वो और एक नया इंस्टेंस लॉन्च करेगा उससे, बराबर ना, यस है ना, तो हर बार उसके पास कुछ तो होना चाहिए कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन का लॉन्च करना है, बराबर ना, इसीलिए टेम्पलेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यूटिलिटी ऑफ टेम्पलेट समझ में आ गई आपको यहाँ पे, ठीक सर. है। तो हम लोग जाएंगे आगे, ये लोग को डिफॉल्ट क्रिएट विदाउट लोड बैलेंसर भी एसजी क्रिएट कर सकते हम लोगों ने, अगर यूआई देखना है, ऑप्शंस देखने हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लोड बैलेंसर और एसजी का रिलेशन किसी को समझ में आया क्या? अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, हाउ योर एसजी कैन हेल्प योर लोड बैलेंसर, कुछ समझ में आए, रिलेट कर सकते हो इसको? या फिर हाउ योर लोड बैलेंसर कैन टेक हेल्प ऑफ एएसजी टू स्केल अप और डाउन, बोलो बोलो। हेलो चिन्मय, यस सो एज वी आर इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस और एज वी आर स्केलिंग अप द इंस्टेंसेस, लोड बैलेंसिंग विल हेल्प टू ऑप्टिमली डिवाइड द लोड अक्रॉस द इंस्टेंसेस। यस यस ये हो गया एक एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। व्हाट कैन बी अदर पर्सपेक्टिव? आपने क्या बोला कि एएसजी हम लोग स्केल अप कर रहे हैं तो हमें ईएलबी मतलब एएसजी को ईएलबी हेल्प कर रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड। हाउ यस कैन ईएलबी हेल्प एएसजी टू डिटरमाइन वेदर टू स्केल और नॉट? कैन इट हेल्प? यस सर, इट कैन बी हेल्प यस ना, कैसे? बिकॉज इन दैट इंस्टेंट इन कैन वी यूज द लोड बैलेंसिंग हाँ व्हेन देयर इज अ वन इंस्टेंस व्हिच आर ऑलरेडी फुल अप, मींस देन इट कैन बी इट कैनॉट बी स्केल अप दैट इट्स गोइंग थ्रू अनदर इंस्टेंसेस एंड स्केल आउट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस. मीन्स लोड बैलेंसर इज गिवन द वन डायरेक्शन टू द एएसजी विच इंस्टेंसेस इज नीडेड टू स्केल अप, मीन्स स्केल आउट कौन से इंस्टेंसेस को अप करना है वो लोड बैलेंसिंग सजेस्ट करेगा. मतलब कौन से इंस्टेंसेस को स्केल अप करना है नहीं समझ में। हम लोग यहाँ पे ना प्राची वर्टिकल स्केलिंग की बात ही नहीं कर रहे, ये तो सारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात हो रही है ओके ऑटो स्केलिंग में, ठीक है। तो कौन से इंस्टेंस का हार्डवेयर अपग्रेड तो करने वाले नहीं है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि एएसजी को ईएलबी कैसे मदद कर सकता है कि ईएलबी के पास ये कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड द वर्कलोड, राइट, कि सीपीयू यूटिलाइजेशन और नेटवर्क रिक्वेस्ट के हिसाब से इट कैन अंडरस्टैंड वेदर द एग्जिस्टिंग कॉन्फिग्रेशन कैन एड्रेस दिस डिमांड ऑफ, राइट। अगर पांच मशीन्स है, पांचों मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तब ईएलबी को समझ में आ जाएगा कि आई कैन टेक हेल्प ऑफ एएसजी, मतलब एएसजी को मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि देर इज अ नीड टू स्केल क्योंकि एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस सारे लोडेड है, समझ में आ गया। सर आपने जो बोला ना उसमें फैक्चुअल इनएक्यूरेसी क्या है, आपने बोला कि विच इंस्टेंस टू अपग्रेड, राइट, विच, हाँ. हाँ, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे ना वर्टिकल स्केलिंग की बात नहीं कर रहे, वर्टिकल स्केलिंग कैसे पॉसिबल होगा, नहीं नहीं होता पॉसिबल, करेक्ट राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जब क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में जाते हैं ना
जनरली हम लोग वर्टिकली स्केल नहीं करते, जनरली आई एम नॉट सेइंग कि करते ही नहीं है, लेकिन जनरली नहीं करते. यू कैन डू दैट जब कुछ वर्कलोड की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको नेसेसरी होता है कि वर्टिकली स्केल करना. जैसे आपकी कुछ पार्टीशंस की साइज बहुत ज्यादा होते हैं, तब आपको ज्यादा बड़े रैम की बहुत जरूरत होती है, तब आपको, अगर आपका लिमिटेड रैम है तो आपको बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो देर आर सर्टेन सिनारियोज वेयर वर्टिकल स्केलिंग इज नीडेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज प्रिफर्ड. ठीक है, अब आई एड्रेस टू, मतलब यस सर, आई कैन आई अंडरस्टैंड. लगा हम लोग ना ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप वगैरह नहीं क्रिएट करेंगे. देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज पता करनी है हमें. ठीक है, हाँ ये देखो, ये चीज ग्रुप साइज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिजायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी. डिजायर्ड कैपेसिटी हम लोग मतलब एट द टाइम ऑफ लॉन्च एवरेज कैपेसिटी कितनी मेंटेन करनी है. ठीक है, ये दे रहे. मिनिमम कैपेसिटी स्केल डाउन कितने तक करना है, तो मैं दे रहा हूँ 2. और मैक्सिमम स्केल अप कितने तक करना है, मैं दे रहा हूँ 10. मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट कैन वेरी इज फ्रॉम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन इन दिस सर्वर कैन वेरी फ्रॉम विच वैल्यू टू विच वैल्यू, बताओ. 2 to 10. 2 to 10, राइट? यस, क्योंकि जब एकदम वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा, इट कैन गो डाउन टू 2 ऑल्सो, स्केल इन हो सकता है, राइट? और जब वर्कलोड की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रहेगी, इट कैन स्केल अप टू 10, बराबर? ठीक है, तो ये दिखाना था मुझे कि हम लोग ऐसे करते हैं ऑटो स्केलिंग. मतलब यू सेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स एंड देयर इज अ डिजायर्ड कैपेसिटी. मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग ना कितना है वो ही रहता है, ये डिजायर्ड कैपेसिटी है, ऐसे जिसका कुछ वैल्यू ये बियर नहीं करता ये चीज. ठीक है, चलो हम लोग ये अभी क्रिएट वगैरह नहीं करते, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है. अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कुछ वीडियोस देख लो ASG और ELB के, ठीक है. लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है. ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं है सच, क्योंकि हम कभी भी यूज नहीं करेंगे. जिसको इंटरेस्ट है उनके लिए बोल रहा हूँ, बस एक्सप्लोर करना है तो यूट्यूब पे कर लो. ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर. आज की सारी चीजें समझ में आई है? यस सर. कवर हुई पहले तो, हाँ हो गई है सारी चीजें. ठीक है, हमारा ना ऑलमोस्ट EC2 खत्म हो गया अभी. ठीक है, तो मैं एक चीज एड्रेस करने की रह गई थी मेरी, तो और एक असाइनमेंट देता हूं मैं आपको. आज क्या क्या बोला है मैंने, क्या क्या करने के लिए बोला है, ऑप्शनल चीजों को मत बोलो. ये ELB और ASG कोई आपका असाइनमेंट नहीं है, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, तो मैंने एक असाइनमेंट दिया था, क्या बोला था मैंने आपको, मुझे याद नहीं है, याद दिलाया करो यार. इंस्टेंस स्टोर वाला कॉन्फिग, हाँ फिगर आउट करो बराबर कि कौन से इंस्टेंस टाइप में इंस्टेंस स्टोर अवेलेबल है. ठीक है, वो फिगर आउट करो, मतलब वो तो बड़ी चीज नहीं है. तो मैं एक आपको असाइनमेंट देता हूँ आज, कि जो हम लोग इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं ना, हम लोग ने सिर्फ लिनक्स AMI यूज किया है अब तक. ठीक है, और हमने कनेक्शन लिनक्स के किए, SSH का किया है हमने, आपने घर पे जाके प्रैक्टिस पुट्टी से किया है. आई एम होपिंग कि everyone has done it. आई एम नॉट गोइंग टू वेरीफाई इट. ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो इट्स योर लॉस. ठीक है, और तीसरा क्या, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से. अभी आपको ना एक एडिशनल करना है, आपको ना विंडोज सिस्टम लेनी है और RDP से कनेक्शन करना है. तो क्या होता है ना, आप एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे ना, दिखा देता हूँ मैं, इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे सेशन. ठीक है, लेंदी हो रहा है क्या सेशन, अटेंशन अटेंशन स्पैन कम हो गया है क्या, मतलब अभी फोकस नहीं कर पा रहे हो क्या? नो सर, नॉट लाइक दैट. नो सर, भूख लगी होगी सबको. नो सर. इंस्टेंस 1, तो यहाँ पे देखो,
आपने विंडो सिलेक्ट किया ना, देखो ये भी ना एज सच बहुत ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन यू शुड बी नोइंग कि आरडीबी से कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। लिनक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ना सारे कंपनीज ना अगर कुछ भी एएमआई यूज करने होंगे ना, लिनक्स बेस्ड इकोसिस्टम ही यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो लिनक्स बेस्ड तो हमने कर लिया एसएसएच और ये EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, पुट्टी आपने घर पे कर लिया। अगर और एक वे फिगर आउट करना है आपको, तो विंडोज से ना विंडोज का कॉन्फिग्रेशन करके देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आरडी नहीं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से उस विंडोज मशीन को कैसे कनेक्ट करोगे। समझ में आया? एम आई क्लियर? सो इसका जो की पेयर का जो एक्सटेंशन है वो पेम का ही देना पड़ेगा ना, डॉट आप पेम। देखो, आप आपको बोला है आपको फिगर आउट करना है, मतलब सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी है, राइट? जो भी रेफरेंस लोगे आप उसमें ये बताया जाए, ठीक है? ठीक है, ये यस सर, सर यस सर। कर लोगे, और ये चीज सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल है, लेकिन पुट्टी ऑप्शनल नहीं है, पुट्टी आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कब ऐसा लगे कि मुझे चेक करना है, या मैं भी नहीं बता सकता, यू नेवर नो, मैं कब पूछू आपको कि पुट्टी से कैसे करना है, आप स्क्रीन शेयर करो और बताओ। मैं आरडीपी के लिए नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि आरडीपी ऑप्शनल है, क्योंकि विंडोज बेस्ड इकोसिस्टम ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन इट इज गुड टू नो टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरडीपी ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी ऐसे कुछ काम नहीं है यार, कर लो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर, जब काम बढ़ेगा तब मैं ही कम काम दूंगा आपको, ठीक है। तो आरडीपी का कर लो, कोई भी वीडियो मिल जाएगा, किसी को भी अच्छा वीडियो मिलता है ट्राई टू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है? यस 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 सर, सर, यस सर। है। तो मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि आरडीपी भी कर लो, ठीक है। चलो हम लोग एंड करते हैं लेक्चर, आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। पूछो अभी, बहुत लोग तो चले भी गए, भूख लग गई इसलिए, बताओ। चलो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, बोलो क्वेश्चंस। कुछ आज का कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कंसर्न्स, कुछ एड्रेस करना है, डाउट्स? आई विल टेक इट फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल एंड द सेशन। बोलो बोलो। सर व्हेन वी क्रिएटेड द यूजर्स इन द आईएम ना, सो वी क्रिएटेड इन द ग्लोबल रीजन ओनली ना, बिकॉज आईएम इज अ ग्लोबल सर्विस, यस, एंड व्हाट एवर द EC2 इंस्टेंसेस क्रिएटेड इन द वर्जीनियम, दैट आई डन, बट आई वाज जस्ट हैविंग द कंसर्न अबाउट द यूजर्स ओनली। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन यार? मैंने ना, हाँ बोलो। So in the EBS we have seen that it is a block storage and we are storing the files and the data. So I'm just curious about it. So whatever the data files which are stored in the Redshift and like S3 buckets, so can that files be also stored in this EBS as it is a part of virtual machine? Yes, it can be. Yeah. Any data can be stored in any type of storage. ठीक है? तो ओके वो ओके तो स्टोरेज की मतलब क्या है ना, स्टोरेज का अपने अपने एफिशिएंट आर्किटेक्चर होता है। तो S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आर्किटेक्चर यूज करता है, लेकिन आपका HDFS है, नॉर्मल HDFS, जैसे ये EBS, जो आप एक क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में मतलब जो इंस्टेंसेस होते हैं उसको जब ABS अटैच करते हो ना, इट एक्ट्स एज अ HDFS, ठीक है। आप यस वो रहेगा आपका ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, लेकिन आप ना वही EMR में, वही क्लस्टर में यू कैन कॉन्फिगर S3 एज अ स्टोरेज ऑल्सो, तो उसको ना EMRFS बोलते हैं, इलास्टिक EMRFS, हाँ, EMR फाइल सिस्टम, इलास्टिक मैप रिड्यूस फाइल सिस्टम, EMRFS बोलते हैं उसको। तो यू कैन यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का डेटा एक टाइप के स्टोरेज में जाता है, लेकिन ये बोल सकते हो कि एफिशिएंट किस टाइप के डेटा के लिए कौन सा स्टोरेज एफिशिएंट है, इस पे डिबेट हो सकती है। समझ में आया क्या? यस यस अब वो कैसे
रो लेवल फॉर्मेट, कॉलम लेवल फॉर्मेट, आपको पता है फाइल फॉर्मेट्स। तो कुछ स्टोरेज है ना वो कुछ फाइल फॉर्मेट्स के लिए बेटर सुटेड है, समझ में आया? ठीक यस, है, सो देर इज अ स्कोप फॉर इंटरऑपरेबिलिटी वी कैन से। यस यस ऑफ कोर्स यस। सर स्केलेबिलिटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ बोलो। क्यूरियोसिटी थी। सर अगर हम एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल ले कि अमेज़न की साइट है, बिजनेस साइट, तो अभी दिवाली आ रही है तो वो ऑफर्स लॉन्च करते हैं, राइट, तो अगर ऑफर लॉन्च करेंगे तो डेटा, मतलब यूजर्स भी जाएंगे ना उस साइट पे। तो अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब टाइम पे, टाइम पीरियड में अगर ज़्यादा यूजर आ गए तो उनके साइट पे लोड हो जाएगा, यस। तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से वो कैसे फिगर आउट करेंगे कि एक ही देखो दिन ना, तो इतना लोड आने वाला है, तो उसको देखो कैसा स्केलेबिलिटी है, के लोड को हैंडल करने के लिए उन्हें पहले ही देना पड़ता है या बाद में यस वो यस, अपने आप ऐड होते हैं? देखो मतलब देखो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मैक्सिमम कैपेसिटी और यू हैव प्रोविजन, ठीक है। लेकिन देखो जनरली जो थ्रू आउट द ईयर, अमेजोन ऐसे तो नहीं करके रखेगा, अगर उनकी मैक्सिमम नीड 10 इंस्टेंसेस की है तो वो 100 तो कॉन्फिगर करके नहीं रखेगा, राइट। पहले वो ही तो पता कैसे चलेगा ना सर? क्यों नहीं पता चलेगा, देखो ना सीजनैलिटी, मतलब आप इकोनॉमी के अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो सॉरी आपको सॉरी पता चलता है, आपको पता चलता है कि फेस्टिवल के टाइम पे लोड बढ़ता है। आपको ये भी पता चलता है कि कौन से टाइम पे डेटा ज्यादा आता है, ठीक है, मतलब आप जब, हाँ तो वो सीजनैलिटी तो इकोनॉमिक, देखो ये तो बिजनेस है राइट, ये बिजनेस डिसीजन है कि ये हम AWS एड्रेस नहीं कर सकता ये चीजें, ये तो आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करना पड़ेगा आपको। अगर फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आ रहा है तो फ्लिपकार्ट को पता तो होगा उस दिन डिमांड बढ़ेगी। हाँ, पर कितनी बढ़ेगी ये थोड़ी पता है ना सर? अगर हमने 20 सर्वर क्लस्टर अलाउ यस कर दिए, मतलब स्टोरेज अलाउ देखो कर दिए देखो यस, तो और वही वो तो है फुल, ना, तो वो तो बिजनेस डिसीजन है ना। लॉस भी हो सकता है ना सर उसका? हेलो सर, यस कैन आई से समथिंग ऑन दैट? यस एक्चुअली वी कैन कंसिडर द हिस्टोरिकल डेटा, मीन्स लास्ट टाइम अगर दिस सीजन में इतना यस, 10 टू राइट राइट 15 बढ़ा राइट होगा तो एग्जैक्टली दे कैन कंसिडर एज अ बिजनेस लॉजिक, कंसिडरिंग द बिजनेस लॉजिक कि 10 टू 15 में बढ़ा होगा तो अप टू दैट मार्क, मीन्स 10 टू 15 में, और यस उससे 10% और 20% वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, यस सर, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। सो आप आगे जाके समझोगे ना इस चीज को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए भी वो लोग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग यूज कर सकते हैं, राइट। दे कैन एनालाइज द डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर्स बिग बिलियन डे एंड दे कैन अंडरस्टैंड हाउ द कस्टमर बेस्ड हैज इंक्रीज्ड इन दिस ईयर्स। तो एक देखो, एक पीरियोडिक एक एनालिसिस कर सकते हो आप कि लास्ट ईयर कंसिस्टेंट नंबर ऑफ यूजर्स कितने थे थ्रू आउट द ईयर एंड बाय हाउ मेनी परसेंटेज इट हैज शूटेड ऑन बिग बिलियन डे। सो नाउ यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी एवरेज पर यूजर्स वर देयर थ्रू आउट दिस ईयर एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि कितने परसेंट और स्केल हो गए, ठीक है। और इसमें और कुछ फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है, कि हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया है और इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई है बिग बिलियन डे की कि लास्ट ईयर से ज्यादा इस बार शूट करेगा, तो वो तो बिजनेस डिसीजन है, राइट। तो वो हम AWS इसमें एज सच कुछ मदद नहीं कर सकते आपकी, इट इज योर जजमेंट टू बी ऑनेस्ट। तो इतना यार, इतना ज्यादा तो पैसे का तंगी उनके पास भी नहीं है, AWS के पास भी, सॉरी फ्लिपकार्ट के पास भी, कि थोड़े से ज्यादा क्लस्टर अगर वेस्ट हो गए, अगर उनकी मैक्सिमम डिमांड 100 100 इंस्टेंसेस तक गई और उन्होंने 200 एक दिन के लिए प्रोविजन करके रख दिए, तो वो बहुत बड़ा लॉस नहीं है बिजनेस के लिए, इतना बड़ा तो लॉस नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर, ठीक है, तो आप अगर इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि ऐसी कोई चीज है क्या, आई एम नॉट श्योर AWS के पास ऐसी कोई चीज है कि तो ये AWS के पास की चीज, मतलब फ्यूचर में अगर AWS आपको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का सपोर्ट दे रहा है तो मे बी इट कैन एनालाइज योर ट्रैफिक डिमांड इन फ्यूचर
एंड ट्राई टू सजेस्ट यू कि इतना कॉन्फ़िगरेशन इस दिन के लिए करो. मे बी एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर, अभी के लिए तो नहीं है, फ्यूचर में आएगा, ऑफकोर्स आएगा. AWS क्यों नहीं अडेप्ट करेगा, क्योंकि उसको बेटर सर्व करना है अपने कस्टमर को. इन फ्यूचर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग से सजेशंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे. ठीक है, सम हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस. ठीक है चलो, एक ना डायग्राम निकाला था मैंने और मैं रोज भूल रहा हूँ. ठीक है, ये ग्रुप बहुत लोग कंफ्यूजन थी ना, तो मैंने बस ऐसे बेसिक डायग्राम निकाला था कि रूट यूजर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल यूजर है और तीन ग्रुप्स है, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट. तो उस दिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि यूजर के नीचे ग्रुप आ रहा है, ऐसे बोला था किसी ने. ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग, मतलब मैंने ये डायग्राम बना लिया था. तो ये देखो, डेटा इंजीनियर्स में दो है, विशी मैग्नस, दो दो डेटा इंजीनियर्स है. इसमें डेटा एनालिस्ट चार है. तो यहाँ पे ना एक कॉमन नेम दिख रहा है आपको, विशी विशी दो जगह पे. तो एक यूजर कैन बी पार्ट ऑफ टू ग्रुप्स, राइट? तो यही डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पे. तो सिंपल है, उस दिन का रह गया था तो बनाया तो दिखा दिया. ठीक है चलो, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. किसी को अगर कुछ सवाल नहीं है तो लेट्स एंड इट हियर, क्योंकि इट्स बीन 3 आवर्स, है ना? कोई और क्वेश्चंस बोलो. यस So, Sharada, you. So, want to ask, like, in the sense of creations, like, we have created from first, na, you have started with the users, then user group, right? Then instances and all. So, in what would creations, in what, like, parameters we have to focus, like, we should go through it or we should have the knowledge of it? I want to just ask you in short and simple way. Like, we have worked on user also, user group. Then you have allowed us to create the instances also, right? Uh-huh. Then on types. So in that sense, I'm asking you, किस पे हमने ज्यादातर वर्क कर लेना चाहिए, इन डीप मतलब जाना चाहिए और उसमें हमने वो क्रिएट करके हमारे पास होना चाहिए, लाइक नहीं 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 डीप में जाने की किसी ने जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूजर क्या है, ग्रुप क्या है, यूजर में क्या होता है, पॉलिसी कौन सी अटैच होती है, ये सब जो क्लास में बोलिए ना चीज है, आई एम में ना उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. इसी टू में ट्राई टू, मतलब अगर वीडियो देख रहे हो, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज पता चलती है, जैसे बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग हमने बोला था कि यूजर डेटा में बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. बूटस्ट्रैप क्या होता है कि एक इंस्टेंस जब पेंडिंग स्टेट से आपके रनिंग स्टेट में आ रहे हैं ना, तो AWS क्या करता है, जो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट है ना उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको लॉन्च करता है इंस्टेंस में. मतलब आपके इंस्टेंस में वो प्री, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज है पहले से ही इंस्टॉल करके ओरिजिनेटेड टाइम पे ही आ जाती है. मतलब आपको इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद उसको फिर से इंस्टॉल करने की या फिर प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग होता है. ऐसी कोई चीज अगर मिस आउट हो गई होगी तो कवर कर लो, लेकिन एज कुछ डेप्थ में जाने की दोनों चीजों में जरूरत नहीं है. डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी आपको S3 में और बाकी की तीन मेजर सर्विसेज में, जैसे EMR है, ग्लू है, रेडशिफ्ट है, अथेना भी है. अथेना भी थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं हम लोग, शायद टाइम मिलेगा तो हम लोग मे बी लेक फॉर्मेशन भी देखेंगे. बेसिक सर्विस है वो, शायद देखेंगे हम लोग, बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम, हम लोग कितने फास्ट जा रहे हैं. ठीक है, हम लोग के पास टाइम कंस्ट्रेंट है. ठीक है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी एबल टू कवर मोर थिंग्स. ठीक है, शनदा, हैव आई एड्रेस्ड योर डाउट? यस सर, बट लाइक मुझे ये बोलना था सर, लाइक वी हैव क्रिएटेड ना द इंस्टेंसेस, वी हैव क्रिएटेड राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड यूजर, यूजर ग्रुप्स इन दैट सेंस. सो मुझे ये पूछना था सर, क्रिएशन के बेसिस पे, लाइक कि जैसे लॉन्च टेम्पलेट्स हो गया, स्पॉट रिक्वेस्ट, यू सेड दैट स्पॉट रिक्वेस्ट वगैरह इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, जैसे इंस्टेंस है, इसके अलावा और किस पे हमें क्रिएशन पे वर्क करना है, लाइक हमें क्रिएट करके देखना है, वो जरूरी है. आज का जो पढ़ाया उसमें बोल रहे हो? यस सर, यस यस. ओके ठीक है, सब करके देख लो यार, इतना क्या है, इतना कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का तो टाइम लगता है हर चीज के लिए, करके देख लो. ओके सर, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने में 5 मिनट लगते हैं आपको,
वॉल्यूम क्रिएट करने में, वॉल्यूम से स्नैपशॉट बना लो, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बना लो, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके देख लो, उससे AMI बना लो, AMI से इंस्टेंस लॉन्च करो। मतलब इससे क्या होगा ना, आपका कंसोल के साथ एक अवेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट मोर, ठीक है। ऐसे ये चीजें करोगे ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो हाथ के नीचे से जानी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि कुछ गॉट पर्सनल करो, ठीक है। इट सर, गॉट इट। आई सेड कि मैं सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट क्लास में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो ना, स्पॉट स्पॉट रिक्वेस्ट में कुछ नहीं है यार, क्रिएट करने में 2 मिनट का काम है, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछते नहीं है वो, ठीक है। तो ट्राई कर लो बेसिक, 2 घंटे में आज की जितनी चीजें पढ़ाई है ना, आप प्रैक्टिस 2 घंटे में कर सकते हो इफ यू आर वर्किंग स्मार्टली, ठीक है, करके देख ओके लो, सर, अरे डन, ठीक यस, है, ओके, चलो लेट्स एंड इट हियर, ओके, चलो बाय, एंजॉय योर वीकेंड, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर।